मालिक वो लोग जान बचाकर भागे। तेरा दिमाग खराब है क्या? तू इनका नेता है ना? अभी भी समझ नहीं आ रहा? इस बेचारे की हालत देख जरा। इस पूरे इलाके को मैंने करंट वाली तारों से बांध रखा है और मेरे बंदूकधारी आदमी इस पूरे इलाके की 24 घंटे निगरानी करते हैं। जानता है क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ से भाग कर न जा पाए और इन लोगों ने यहाँ से छुप कर भागने की कोशिश की। मजाक समझा है क्या? इन लोगों के लिए मैंने एक शिकारी पाल रखा है, कडप्पा राजा। देखा इसने उन लोगों का कैसे शिकार किया। तूने मेरे चाचा पर हाथ किया। भैया राजू, थक गया उन नालायकों पर गोली मार मार के। सबको मारूंगा तो यहाँ का काम कौन करेगा? अब गलती करेगा तो भुगतना पड़ेगा, इसलिए बोलता हूँ गलती अलाउड नहीं। और अगर भागने का इरादा है तो गला दबा के मार दूंगा, समझे? कहाँ भाग रहा था बे? पुलिस में कंप्लेंट करेगा, कलेक्टर के पास जाएगा? अरे कहीं भी जा, सबको खरीद के रखा हूँ मैं, कोई कुछ नहीं सुनेगा तेरा, क्योंकि मैं हूँ कोंडा रेड्डी। मैं सिर्फ यहाँ का एमएलए नहीं हूँ, पूरे इलाके पर मेरा राज चलता है। बुड्ढे चुप रहे, चाहे आज ऊपर वाला भी नीचे आ जाए ना, तो वो भी इसको बचा नहीं सकता। टपका दो। मैं हूँ कोंडा रेड्डी। याद रख, तेरे बापों का घड़ा भर चुका है। देखना मेरा बेटा आएगा और तेरे जंगल राज को खत्म करेगा। तू उसके हाथों से नहीं बच पाएगा। इन पत्थरों के बल पर तेरी सल्तनत चल रही है ना, मेरा बेटा आएगा और तुझे इन्हीं पत्थरों के बीच दफन कर देगा। तेरी कब्र यही बनेगी। तेरा बेटा आएगा ना, उसका भी यही अंजाम होगा, उसे भी ऐसे ही लटका देंगे। चलो जाओ, काम करो साहब। चलो रे, चलो। हाय, हाउ आर यू, केमो नाचो। हार कर जो जीते होता है बाजीगर, और जो नल फिट करे वो होता है प्लम्बर। हाँ भैया, मेरे जैसे हैंडसम की नजर उतार। आई तू जाल, तू आई बला को जाल, तू जाल। ये क्या है कौवे? टमाटो सॉस है भैया। फ्राइड मोमो, ये केचप नहीं, मेरा खून है। हाँ भैया, मेरे धासु एंट्री की वाट लगा दी। मैंने सोचा था चिल्लर रखूंगा तो बाद में कौन चुनेगा, इसीलिए दूध के डब्बे में रख दिया था। अबे कोयले की खदान, पार्लर जाके नई नवेली दुल्हन की तरह मेकअप किया था, तूने तो खून से मेरी मांग भर दी। अरे क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, कार का कवर तक नहीं उतारा। नंबर क्या है इसका? 4202222। मैंने मोबाइल नंबर नहीं कार का नंबर पूछा है। इसका ड्राइवर कौन है? ड्राइवर नहीं, मेरा दोस्त है, इज कमिंग। तो उसे जल्दी बुलाओ, 10 मिनट में रेस शुरू होने वाली है, वरना वो बाहर हो जाएगा। भैया वो टाइम पर आ तो जाएगा ना? टाइम को टाइम पर आने में देर हो सकती है, लेकिन मेरे दोस्त को टाइम पर आने में लेट नहीं हो सकता है। डॉक्टर ने 9 महीने का टाइम दिया था, लेकिन वो बिफोर टाइम आ गया। Yeah!
आधा पाइप एक हफ्ते में ठीक होगी, पर हमारे विराज ने तो इसे एक घंटे में ही ठीक कर दिया। क्या यार मामो, काम चोरी करने से सिर्फ अपनी तरक्की नहीं रुकती है बल्कि पूरे देश की रुक जाती है। इंसान अगर मेहनत करना चाहे ना तो चांद पे पहुंच सकता है, पाइप क्या चीज है। चल अभी काम पे ध्यान दे, सही से चल चल निकाल। बस वही दिमाग खराब कर दिया, पता नहीं क्या बोला। कुछ नहीं भैया। अबे कल्लू, ये साइड हीरो कौन है? पिछली बार की रेस का विनर यही था भैया। हाय क्या लड़की है, फुल टू पावर हाउस है, देखते ही तन बदन में करंट दौड़ गया। साथ में बैठेगी तो मैं ही जीतूंगा। हीरो रेस नहीं करनी क्या? गाड़ी से कवर तो हटा। दिस इज माय कार, इसे टच मत करना वरना क्या इसे टच कर लूंगा थप्पा। चल छुट्टा नया निकाल, मैं बताता हूँ। इंटरनेट ब्यूटी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? रेस 5 मिनट में शुरू हो जाएगी। मेरे दोस्त के बिना रेस शुरू हो जाएगी? गले लग जा। 5 मिनट में अपनी गाड़ी को रेस के लिए तैयार करो वरना तुम रेस से बाहर हो जाओगे। अरे ये क्या कल्लू, टंकी तो फुल है ना, तो निकाल फोन और बुला शूमाकर को। हेलो मेरे दोस्त विराज, रेस शुरू होने वाली है, कहाँ है तू? अरे मैं भी रेस में पहुँचने के लिए रेस ही कर रहा हूँ। पहुँच रहा हूँ, डर मत। अरे डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, तू जल्दी आ जा। ये लो भैया। गरम है क्या? नहीं, हिलना मत। माँ मोहल्ले के पानी की दिक्कत क्या दूर कर दी आप लोग, तो जश्न मनाने लगे। ऐसी बात नहीं है, आज तेरे पिताजी का जन्मदिन है। ओ, ट्रिपल सेंचुरी वाले का जन्मदिन है, फिर तो पार्टी बनती है। इतने झोल झपाटे करके जो भागे इधर। अरे ऐसी बात नहीं है विराज बेटा, उनका दिल सच में। ये लो भैया तुम्हारे शूज। हाँ बहुत बड़ा दिल था, 3-3 औरतों से शादी की उन्होंने। ऐसा गैर कानूनी काम इतनी अच्छी तरह से वही कर सकते थे। ये तुम्हारी गलत फहमी है बेटा, वो जब तक थे रानी बना कर रखते थे। आप लोग तो रानी बन गए पर मैं गुलाम बन गया। चलो मुझे मेरी गाड़ी बुला रही है, रेस का टाइम हो गया। अरे जाने से पहले पिताजी का आशीर्वाद तो लेता जा। बापू जिंदगी की रेस तो जीतनी है पर उससे पहले आज की रेस जीतनी है, तुम्हारा कर्जा जो चुकाना। भैया भैया बहना, मैं आ गई भैया। बहना भैया बहना भैया, आप ससुराल में क्या लोचा किया? लोचा नहीं किया भैया, वो सिंगापुर चले गए इसलिए तो चली रहने आई। के लिए मायका है ना बेटा, मतलब महीने भर के लिए यहीं पड़ी रहेगी। मैं तेरी, ये तेरा पति सिंगापुर और मलेशिया में जाके टूथपेस्ट बेचता है क्या? कभी पूछा है वहाँ क्या करता है? वो वहाँ सिंगापुर में बिजनेस करते हैं। अपने को क्या मालूम कौन सा सिलसिला चला रहा है, चल ऊपर जा तू। हाँ हाँ ए सुन, ऑटो वाले को पैसे नहीं दिए, तू दे देना ठीक है। बाय बाय भैया। तूने पहना तो रापचिक, मैंने पहना तो किचकिच, चल निकाल। ए मजनू रांझा, ले पकड़। हे और ये हो गया आउट। इस कार को गौर से देखिए, ये कार लाजवाब है। ओ नहीं, ये चूहा कहाँ से आ गया? अरे अरे अरे, कार पे कुतर कुतर के खा जाएगा। अब क्या करें? अभी तक तो मैं गाड़ी में बैठा भी नहीं हूँ और अपने नाम का बवाल मच गया। अरे बवाल नहीं, चूहे का कमाल है। चूहे ने कतरी खाल है, हर बागड़ू में हाल है। ये चूहिया पंटी चल रही है। यहाँ एक गाड़ी के अंदर से चोट लगी। ये लड़की चूहे से क्यों नहीं डरी? शेरनी कभी चूहे से डरती है क्या? बिगड़ डालिंग, कैसी खटारा लेकर आया है। अबे तू इस गाड़ी से मुझे हराने की सोच रहा है, सपने देख रहा है क्या? भाई पिछली बार इसी ने रेस जीती थी इसलिए इतना कर रहा है। तेरी स्पीड बढ़ाओ और इसमें ब्रेक लगा। अबे रेस भूल जा, इस गाड़ी को भंगार वाले को बेच दे। ओए गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अपनी गाड़ी की हालत देखिए तूने। बाहर से जो जैसा दिखता है अंदर से वैसा होता नहीं है, ये बहुत मेंटेन्ड है। रेस के एंड में पता चलेगा कौन होगा बेहाल और कौन होगा मालामाल। एक बार ट्रैक पे तो मिल, तेरी सारी हवा निकालता हूँ। शुरू हो चुकी है। क्या कर रहे हो? जो विनर बनने वाला ना मेरा दोस्त है। आप देख सकते हैं कि कार ड्राइवर्स अपने ट्रैक पर आ चुके हैं। सभी कार ड्राइवर्स पूरे जोश में, ऐसा लग रहा है जैसे इस साल का मुकाबला पिछले साल के मुकाबले से सर, बहुत ज्यादा। सर ये रिश्वत लीजिए और मेरे दोस्त का हौसला बढ़ाइए। तो जैसा मैं कह रहा था, इस साल का मुकाबला पिछले साल के मुकाबले से। देश में उत्साह उतना ही बढ़ता जा रहा है जितने कार्स के इंजन में है। कार्स के इंजन जोर जोर से बजते हुए ड्राइवर्स फुल्ली तैयार, फर्स्ट गियर में कार डाल के पिकअप लेके लीड लेके जीतने की ओर। जो जीतेगा वही सिकंदर, जो हारेगा वो भी सिकंदर, और इसी के साथ
एक से कार और एक से कार ड्राइवर्स, सब आगे बढ़ते हुए, कोई भी हार नहीं मानने वाला, आज ये जीत है। कब लेके आ जा जल्दी आ जा। और नाम की देखते हैं कौन जीतेगा। एक दूसरे को टॉस करते हुए जबरदस्त आगे आ रहा है, आ रहा है, और इन्होंने अभी जस्ट ओवरटेक कर लिया, और ये क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया, विराज ही जीतेगा। अरे उसे कौन हरा सकता है, उसकी स्पीड के आगे अच्छे अच्छे रेसर्स के टायर पंक्चर हो जाते हैं। और ज्यादा स्पीड में सभी गाड़ियां, और ये क्या, एक कार में से नीचे आ, अरे बम्पर प्राइस के बारे में तो बाद में सोचेंगे, अपना बम्पर तो उड़ गया। क्या गाड़ी सुरक्षित है, क्या वो चला पाएंगे, गाड़ी तो आगे बढ़ती जा रही है। ये हो गई टक्कर, दो गाड़ियों के बीच एक टक्कर, और इन्होंने एक गाड़ी को उड़ा दिया, और एक गाड़ी सीधा पहाड़ की तरफ। इनका जीतना नामुमकिन है, ये रेस बाहर हो चुके हैं, और बाकी दो गाड़ियां और आगे एक दूसरे को फॉलो करते हुए, टॉच करते हुए आगे बढ़ने की पूरी कोशिश, लीड में आने की पूरी कोशिश। और ये क्या हुआ, क्या हो रहा है इस रेस में, गाड़ियां तो उड़ती जा रही है उनके साथ, मुर्गी के पंख की तरह गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मैं जा रहा हूँ, दूसरे को टॉच करते हुए आगे बढ़ रही है, ओवरटेक करने की पूरी कोशिश। इस सिचुएशन में तुम्हें क्या लगता है, अरे उससे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ, हम जीतेंगे। भैया आपने मेरे मुंह की बात छीन ली सर, आजकल के नए मॉडल में वो बात कहां। हाँ। अरे तू क्या चिपक गया मुझसे, दूर हट, अरे जादा उल्टी गाड़ी बहुत चला, फाइन लगेगा तुझ पे, चल भागे से, हट 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 तेरी तो। भैया आपको ऐसा नहीं लग रहा हम कोई एक्शन सीन देख रहे, चुप रहे मनुष, तुम्हारा दोस्त जबरदस्त खिलाड़ी है। हाँ, उसे रेस की ट्रेनिंग मैंने ही दी है, बचपन में टायर से डंडा मारना मैंने ही सिखाया था उसे, तुम चाहो तो गियर पकड़ने की ट्रेनिंग मुझसे ले सकती हो। कार ड्राइवर विराज की कार भले ही डिसबैंडल हो गई हो, मगर उसकी कार अभी भी तेजी से आगे बढ़ते हुए पूरी कोशिश है कि वो ये रेस जीते, भले उसके आगे में जा रही है एक और टक्कर, विराज की कार बाबा बचते हुए और ये आगे निकल गई, विराज आगे बढ़ रहा है, विराज आगे बढ़ते हुए और उन्होंने आगे लीड ले ली है, और ये बराबर की टक्कर है रॉनी और विराज के बीच, रॉनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो विराज को पीछे धकेल दे, मगर विराज का हार मानने वाला है, विराज पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ये विराज आगे ही बढ़ता जा रहा है, ये रेस लगता है सिर्फ विराज और रॉनी के बीच हो रही है, और ये क्या हो रहा है, विराज की कार धीमे होते हुए, शायद इनकी कार इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, बहुत धीमे तरीके से उनकी कार धीमी हो गई है, और कोई चांस नहीं लगता है कि विराज फिर से इस मैच में आगे आ जाएंगे, विराज नहीं जीत पाएंगे, विराज इस मैच से बाहर हो चुके हैं, इनकी कार पूरी तरह से खराब होते हुए डिसबैंडल हो चुकी है, और ये क्या विराज आगे बढ़ते, क्या हो गया अचानक, इनकी कार कैसे ठीक हो गई, विराज को बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए, और ये क्या, टूटी फूटी कार होने के बावजूद उन्होंने रेस में आगे बढ़त ले ली, वाह ये तो नामुमकिन है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, रॉनी की गाड़ी को जस्ट ओवरटेक करने की पूरी कोशिश हो रही है, ये क्या विराज आगे बढ़ रहा है, मगर विराज की कार धोखा दे रही है, इसमें से धुआं निकलना शुरू हो रहा है, आग भी निकल रही है, विराज आगे बढ़ने की पूरी कोशिश में, विराज और रॉनी, रॉनी या विराज कौन जीतेगा, और ये क्या विराज की कार ने जंप, मेरा दोस्त जीत लिया है, इस साल के विजेता विराज अपनी टूटी फूटी कार में भी इन्होंने रेस में आगे बढ़ दी, उन्होंने हर साल जीतने वाले रॉनी को हरा दिया है, मारी थी आपने, मजा आ गया। सर हेलमेट, सर हेलमेट, हेलमेट दीजिए। क्यों हो गया ना तेरा हाल बेहाल, अभी तो मेरा चेला जीता है, सोच अगर मैं होता तो तेरी क्या हालत करता, ये कह रहा है साइलेंसर से आग निकलने से कुछ होता नहीं है, असली आग यहाँ होनी चाहिए, और अगली बार रेसिंग करना तो जीतने के लिए, किसी को हराने के लिए नहीं। छोड़ ना यार, चल अपन बाटली खोलते हैं। सॉरी बेबी, अरे ओ हो,
ये! अरे कौन हो तुम लोग? घर का सामान बाहर क्यों निकाल रहे हो? अब ये सब कहाँ जाएंगे? बोलो, ले जाकर वापस रखो। भैया विराज देखना बेटा, ये लोग हमारे घर का सामान बाहर निकाल रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? काका रुक जाओ, कौन है तुम लोग? ए विराज, सामान निकालने के लिए मैंने कहा है, अब से इस घर का मालिक मैं हूँ, तुम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। अबे मेरे घर से मेरा सामान निकालने वाला तू है कौन? बेटा कल तक ये घर तेरा था, आज से इस घर का मालिक मैं हूँ। अबे ये क्या बकवास किया जा रहा है? इसका पूरा बचपन यहाँ बीता है और आज ये घर तेरा हो गया? लेकिन घर के कागजात तो मेरे पास रखे है ना बेटा। ये घर खरीदने के लिए मैंने 50 लाख रुपए दिए हैं। तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि 6 महीने में पैसे लौटा दूंगा और ये घर अपने नाम करवा लूंगा, लेकिन 6 महीने से तुम्हें जेल में था। अब मेरे आदमियों को तुम्हारे पिताजी ने एक चेक दे दिया, मगर चेक बाउंस हो गया क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे थे ही नहीं, तभी कब्जा कर रहा हूँ। अबे कर्जा काका ने लिया तो ये क्यों चुका है? मुझे पता था ये बातें एक दिन जरूर सामने आएंगी, इसलिए पहले लिखवा लिया। दिखा मुझे। देखिए आप जो कुछ कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी एक बात समझ लीजिए, उनका जो वारिस है वो यहाँ मौजूद है। अब आए मुद्दे पर, तो मुझे बस ये जानना है कि तुम मेरे पैसे कब तक लौटाओगे? तुझे पैसे चाहिए ना, एक हफ्ते में तेरे मुंह पे मारता हूँ, चल निकल। याद रखना सिर्फ एक हफ्ता। ए चलो रे। अबे 5,000 नहीं 50 लाख देने हैं। ये चेक पकड़ो और मलेशिया जाओ, वहाँ जाकर बरखुरदार से पूछना चेक बाउंस क्यों हुआ। मुझे ये घर नहीं, पैसे चाहिए पैसे, 7 दिन है तुम्हारे पास। जैसे सामान बाहर निकाला था वैसे चुपचाप अंदर रखवा। तुम लोगों ने सुना ना इसने क्या कहा, सामान घर में वापस रखो। सुनो, अगर पैसे वापस नहीं मिले तो ये घर गया समझो। चलता हूँ। लो तुम्हारे पति ने आखिर एक नई मुसीबत खड़ी कर ही दी। कोचा इंडस्ट्री से 50 लाख की पेमेंट तो आई है, फिर उसके बाद इस चेक को रोक दिया गया। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। शायद इस मैटर का पूरा काला चिट्ठा उन्हें पता चल गया होगा, इसीलिए उन लोगों ने पेमेंट स्टॉप कर दिया है। अगर इस चेक को कैश करवाना है तो मलेशिया जाना ही पड़ेगा। करेक्ट, लेकिन वहां जाएंगे कैसे? अरे पहले इसने जो रिपेयरिंग की उसका पैसा दिया नहीं है, किसी को गाड़ी कैसे बेचेंगे? कैसा आइडिया निकाला तुमने? इसे लोटे में उतारना मुझे अच्छे से आता है, पहले भी इसकी लुटिया कई बार डुबा चुका हूँ। ऐसी शिंडी लगाऊंगा कि बाल उगना बंद हो जाएंगे। हेलो, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, चवनी क्या ठंडी भी कम नहीं होगी, 4 लाख से एक फूटी कौड़ी कम नहीं करूंगा। अरे बोल्ड निकल नहीं रहा है भाई। अच्छा, हथौड़ी से मार निकल जाएगा, बस यही तरीका है। ये कोई ऐसी वैसी कार नहीं है जनाब, ये वही कार है जिसमें शूमाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाकर चू बीत जाता था भेलपुरी खाने। ये कोई कोला कुबर वाली कार नहीं है, खास कार है जिससे हमने रेस जीती और अब इसे बेच कर हम लोग दारू पी। मतलब आपका ऑफर चखने के लायक भी नहीं है। छोटा दिमाग वाला छोटा ही सोचेगा, जानते हो इस कार को खरीदने के लिए बंबानी सड़ानी हाथ पैर जोड़कर मेरे दोस्त के पीछे पड़े हुए हैं। 4 लाख से 1 रुपया कम नहीं लेने वाले हैं हम। आप बताइए क्या कीमत होगी? सही कीमत है, दे देना चाहिए था, 3 लाख अच्छा दाम है। 3 लाख आपने बोल दिया तो डिस्काउंट में दे दी, कैश रेडी रखिए। ये डब्बा 3 लाख में कौन लेगा? आपने इस गाड़ी को डब्बा कहने की जुर्रत की? देखो इस कार की वजह से तुम जीते थे ना, अगर किसी को हम साथ में रख लें तो वो हमारी फैमिली के साथ में जुड़ जाता है। वो देखो पीछे 50 साल से मेरी फैमिली का हिस्सा बन के बैठी। इस झाड़ू वाली को 50 साल से मेंटेन कर रहे हो? ए मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मलेशिया में मेरे पिताजी के पैसे अटके हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए मलेशिया जाना है वरना मेरा घर बेच जाएगा। मलेशिया जाना है? अरे तो गाड़ी क्यों बेच रहे हो? पंछी बन के जाओगे? पंछी मतलब? देखो पंछी मतलब मैं समझाता हूँ, विदेश में बहुत हिंदुस्तानी रहते हैं, उनकी जरूरत का सामान यहाँ से लेके जाना है, जैसे कि फ्रूट हो या साड़ी हो, और वहाँ से हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आना है। वहाँ पहुँचोगे तो एक आदमी मिलेगा, उससे सामान लेना और कमाई करना। बोलो क्या कहते हो, जाओगे क्या? ओके सेठ जी, हम पंछी की तरह उड़कर जाएंगे। अबे यार सेठ ने तो बोला था कोई लेने आएगा, किधर है? कहाँ वो लोग? हाँ। अरे वही तो है। ए भीड़ लोग, तुम्हारा ध्यान किधर है? अपुन इधर है। ए भाई लोग, केसराम मिलेगा क्या? ये कोड वर्ड लगता है भाई। केसराम केसराम बन गया सारा काम रे, केसराम केसराम इस समय है दाम रे। सेठ के भेजे पंटर लोग तुम ही हो ना? करेक्ट।
वैसे आप बेसुरा गाना बहुत सुरमे गाते हो। ये तो अपना स्टाइल है बेटा। लेकिन इस स्टाइल की जरूरत नहीं थी, हम ऊपर तख्ती लगाते, हम देख कर खुद चले आते। भंकास बंद कर चल। एक बात पूछूं, ये डोले शोले बनाए या भाड़े पे लिए? मेहनत की है मैंने। दिख रहे हो बकवास, दिख रहे हो, ऐसा कोई बोले तो मैं दो थप्पड़ लगा दूंगा उसे। भाई माल जो जो बोला था वो सब है। बारकोबा इनको बक्सा दे दे बे। आगे बुकी पेंजा आने वाला है। ये कौन सी जगह है बे? जगह का नाम है, वही तुम रहने वाले हो। वही नहाना और उधर ही कच्चे सुखाना, और शाम को उधर ही पार्सल मिल जाएगा तुमको। शाम से याद आया, वहाँ तो जाएंगे ना। ये किस किस क्या है? पक पका पक 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 पक। मुर्गियों की बात करें, मुर्गा क्यों भड़का? हमें मलेशिया में ये एड्रेस ढूंढना है, बताएंगे कहाँ पर है? तेरे को क्या एड्रेस मिला है? राइट लेन इंडस्ट्रीज। हाँ बोलता रहे, सुन रहा हूँ। नंबर 17 फर्स्ट फ्लोर। हाँ आगे बोलना। जेलेन समुंदर स्ट्रीट। हाँ ठीक है आगे। कुआलालंपुर। ये कुआलालंपुर ही है, तेरे को आदमी का नाम नहीं मालूम? कोचा। कोचा सेठ? अरे तुमको कोचा से क्या काम है भाई? उसके ऊपर हमारे कुछ पैसे बनते हैं। ये कोचा से पैसा लेने जा रहा है मार्को भाई, आदमी लोचा करवाएगा। भेड़ू लोग क्या है, अपने को बहुत जोर किया। देखो कोचा का क्लब इधर पास में ही है। पास में कहाँ पर है? उधर तुम लोग ऑटो लेके चले जाओ, पास में ही है। अरे पैदल भी जा सकते हो, ऑटो लेके क्या करोगे? एड्रेस तो समझ गए, लेकिन कोचा का नाम सुनकर तू काम क्यों रहा है? ये तेरे घुटने हिल क्यों रहे? अभी तो खाली घुटने हिल रहे, कोचा आ गया तो सब हिलने लगेगा। अरे बहुत जोर किया है, जाने दो रे। तो बता। अरे दीवार फान के जाओ, उधर ही पास में। चल 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 चल। बच गए, वरना आज तो वाट ही लग जाती। अगर हम उन दोनों के साथ जाते तो अच्छा होता। अबे उनके साथ जाता तो तू लौट के नहीं आता। ऐसे कस्टमर कहाँ से लाता है रे गर्दन कटवाने वाले? ये लोग कोचा से पैसे लेने जा रहे हैं। वो कोचा है ना, वो मलेशिया का नंबर वन डॉन है। बस बहुत हो गया। अबे क्या हो गया मुन्ना, पी पी पी? क्या और पीऊं? अरे पीना। ताकि जब मैं तुझे काटूं तुझे दर्द का एहसास ना हो। डायमंड, ब्लड डायमंड, ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, पर आजकल ये आंध्रा के कडप्पा में भी मिलता है। मैं और मेरा भाई इसे स्मगल करके लाए हैं। धोखेबाज हो तुम लोग। अगर मुझे पता होता तुम सब ये हीरे के लिए कर रहे हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। हमारी दारू पी के हम ही से मैं आऊं। क्यों भाई, चलें क्या? नहीं भाई, मुझे यहाँ काम है। ठीक है मैं चलता हूँ, तुम जल्दी आना। ठीक है भाई। ऑरेंज, ये संतरा नारंगी का धंधा तो नहीं करता? मेरा नंबर ठपा लगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कपल्स के लिए। दो नंबर, मैं दो बार जाके आया हूँ। तुझे लगी तो तू जाना टकले। मुझे मालूम नहीं, पीछे जाइए। वीट कोचा, नहीं कपल्स के बिना एंट्री नहीं है। अरे ये लड़की के बिना तो एंट्री नहीं दे रहे, कपल का जुगाड़ कहाँ से करें? फ्री में खाना पीना सब मिलेगा, चलेगी क्या? अरे भाई लड़की पटाने की कला तो गजब की है, तो मुझे भी ट्रेनिंग दे देना भाई। ये सब तेरे लिए किया दोस्त। क्या बात है, तूने मेरे जैसे लंगूर के लिए गोरी गोरी विलायती हूँ ढूंढ ली, आज तूने अपने दोस्त का घर बसा लिया भाई। इसके साथ तू नहीं, मैं जाऊंगा। हाँ कपल्स, ठीक है ना? सर। हेलो, आपको कोई बुला रहा है? कौन है बे? नमस्ते सर, मैं इंडिया से आया हूँ। कहाँ से? मैं विराज इंडस्ट्री इंडिया से आया हूँ। तो क्या करूँ? आपको मेरे पिताजी को 50 लाख रुपए देने हैं, उनके लिए आया हूँ। ये चल निकल यहाँ से। अरे सर, मैडम जरा उठाओ ना इनको। अरे सर, सर क्या है बे? सर वीजा सिर्फ 2 दिन का है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। पैसे दे दीजिए वरना मेरा घर नीलाम हो जाएगा, माँ बहन सब रास्ते पर आ जाएंगे।
प्लीज जरा कोचा सर से मिला देते तो। ये देखिए ना, ये देखिए कोचा इंडस्ट्री का चेक है, बैंक स्टेटमेंट है और बिल भी है, देखिए ना, चेक कर लीजिए आप। आपने इसे फाड़ क्यों दिया? ए, चल यहाँ से निकल जल्दी, चल। मेरी पेमेंट दे दीजिए। पेमेंट चाहिए ले, चल। निकाल। उठ ले। अबे, चल निकल। अबे। पता नहीं क्या क्या से आजा। बच्चे, बोला ना कल्टी मार। चल, बाइक बना। चल। ए, निकालो से यहाँ से। चल निकल ले, दिखना मत। मुंह लटका के क्यों आ रहा है भाई? क्या हुआ? कोचा तुझसे मिला कि नहीं? पैसे दिए उसने? चेक के बारे में बात की? अरे जवाब देना भाई। कोई एक उंगली चुन। अरे अरे, हुआ क्या है? बता के तो जा। ये उंगली चुनने का मतलब? एक उंगली थी अमन और शांति के लिए। और दूसरी वाली? हड्डियां तोड़ने के लिए। तो मैंने कौन सी चुनी? दूसरी वाली। अरे कोई रोको, यहाँ पर सुनामी आने वाली है। क्या हुआ, अब तक निकला नहीं? आपकी कंपनी का एक लड़का बाउंस चेक लेकर आया था। कौन है वो? वही जगमोहन का बेटा। देखना, मेरा बेटा आएगा और तेरे जंगल राज को खत्म करेगा। तू उसके हाथों से नहीं बच पाएगा। जगमोहन का बेटा? वो यहाँ कैसे? आज वो बाप का पैसा लेने आया है, कल बाप को लेने आएगा, तब क्या करेंगे? वो जहां भी नजर आए उसे ढूंढो और खत्म करो। ए, चलो जल्दी उस लड़के को पकड़ो और खत्म करो, जाओ। तेरे को क्या लगा इंडिया से कोई लुखा आया है? तू जानता नहीं है मुझे, तुम सबका बाप हूं मैं। मार खाएगा या चुपचाप कोचा को बुलाएगा? पहले मौका दिया था पर तूने वो मौका गवा दिया। चल कोचा को फोन घुमा, जल्दी कर, लगा उसको।
क्या हुआ, खत्म कर दिया उसे? तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे बॉटल खत्म हो गई। मैंने तेरे आदमी और तेरा क्लब दोनों को ही फोड़ दिया है। तू है कौन? जिस जगमोहन के पैसे खाने की कोशिश कर रहा उसी का बेटा हूँ मैं। गाड़ी घुमाओ। कोचा, लगता है तू बहुत करेगा लोचा। अब तो मैं असल भी लूंगा और सूद भी लेके ही जाऊंगा। जल्दी गाड़ी घुमा, घुमा फटाफट। शेर की मांद में आकर शेर को ही ललकारा उसने। तुम लोग क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे तुम लोग? और गुरु कहाँ है? सर वो देखिए वहां ऊपर। उसके बाप ने कहा था कि मेरा बेटा आएगा। सही बोलता है वो। और उसका बेटा बहुत डेंजर है, डेंजर है वो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ खत्म करो उसे, जाओ। अबे ओए, उन्हें किसी को भागते हुए देखा यहाँ से? नहीं सर, नहीं देखा। यहाँ पर नहीं है सर। जा। बोलो। सर हमने शहर छान मारा मगर वो कहीं नहीं मिला। अरे बेवकूफ, बकवास करने के लिए फोन किया है? अगर उसे मार दिया तब मेरे पास आना, वरना खुदकुशी कर ले। ओके सर। ये इन लोगों के पास की बात नहीं है, उसे मैं ही खत्म करूंगा। मेरे भाई, वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, हम उसे ढूंढ लेंगे। अभी न्यू ईयर पार्टी का वक्त हो गया है, हमें चलना चाहिए, चलो। अरे ये हमारी कब्र खोदी की बात कर रहा है? हाँ यार पता। ये सब तेरी वजह से हुआ। इंडिया में अच्छे से टकीला शॉट ले रहा था, अब इस दरिंदे के गन शॉट से मुझे कौन बचाएगा? ए ऊपर वाले मुझे बचा ले। पता नहीं कल का न्यू ईयर देख पाऊंगा कि नहीं। टेंशन मत ले, अपना न्यू ईयर बहुत हैप्पी होने वाला है। देख क्या रहे, मदद करो मेरी। पैसा मिलेगा ना? हाँ जरूर मिलेंगे। ए, पहले तो डांस करना बंद कर, चल निकाल अंगूठी। ठीक है। निकली, कोशिश आ रही है। अरे निकाल ना। अरे मैं तो खुद ही निकल गया। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे वो हम लोग तो, चलो चलो जल्दी से इसे ठीक करो। दीदी को अंगूठी निकालनी थी, मैं इनकी मदद कर रहा था, चिपकी हुई है निकलती ही नहीं। अंगूठी निकालने से कोई फायदा नहीं है, इससे शादी नहीं रुकने वाली। चाहे कुछ भी कर लो ये शादी होकर रहेगी। जनवरी 4 तारीख को सूरी के साथ तुम्हारी शादी फिक्स है। मुझे उसकी शक्ल तक नहीं पसंद। अब तुम्हारे भाई से जाकर तो ये नहीं कह सकते कि तुम्हें उसकी शक्ल पसंद नहीं है। आप तो उसे जानती है ना, स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, हाथ में गन रखता है। कभी गुस्सा आया और मुझे ही टपका दिया तो क्या करूंगी? देखो इधर सुनो ना, जब मैं शादी करके आई थी तुम बहुत छोटी थी। जब भी मैं उदास होती थी मैं तुम्हारे पास ही आती थी और मैं बहुत खुश हो जाती थी। तू मुझे भाभी बुलाती है पर तू तो मेरी बेटी जैसी है ना। और मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। इतना डरने की बात नहीं है। अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो तू उसके साथ भाग जा। तुम्हारे भैया को मैं संभालूंगी। ये नहीं हो सकता। कोचा के बहन को भगा के ले जाने वाला ऐसा जिगर भी तो होना चाहिए। हाथ दे अपना। देखो जल्दी से कपड़े चेंज करो और नीचे आ जाओ। नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा भाई भी तो है, यहाँ आओ। चल ना, चल जल्दी। हमें यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देख रहा है यहाँ सबके हाथ में गन है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए बड़े भाई। मैं यहाँ से मुंह छुपा के भागने वाला नहीं। बगैर पैसे के तो चले जाएंगे लेकिन बिना शरीर के कैसे जाएंगे? सोच लिया मैंने। तो चलो कल्टी मारते, हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। प्यास लगी है। चलो उन दोनों को नरम करते। ए
ये ठीक है। अरे क्या ठीक है, ड्रेस तो बदल लिया लेकिन फेस का क्या करेंगे? अबे हाँ यार। मिल गया सोल्यूशन, इस काली मिट्टी को प्रणाम करके इसमें थोड़ा तेल मिला के फेस पैक बना के लिपापोती करते हैं। चल मुंह काला करें। ओके, ये आइडिया मेरा था ना, तो पहला चांस मेरा। देखा ना, इसको बोलते हैं असली गेटअप। तू भी सस्ता स्पाइडरमैन लग रहा है। ये तो ठीक है, तुझे नकाब का आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया खुद उड़ते हुए मेरी झोली में गिरा। लुच्चा, मुझे लगा मेरा आइडिया अप्लाई करके मैं पेटेंट करवा लूंगा। जवानी में चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। ऐसा घटिया आइडिया मैं दोबारा कभी नहीं। विलायती स्कॉच मुझे देना, बहुत प्यास लगी रे मुझे। तू जा, मैं प्यास बुझा कर आया। ठीक है, जा। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपनी बहन की एंगेजमेंट मनाली में की थी, वहाँ आपको बुला नहीं पाया, इसलिए मैंने आज न्यूयॉर्क के मौके पे ये पार्टी रखी है। एंजॉय योरसेल्फ। चीयर्स। 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 स्माइल तो कर। अरे वो रहा बैग। ये पीछा क्यों कर रही है? अरे यार, इससे तो बहुत खुजली हो रही है। आराम मिला। हेलो ब्रदर। ये चिंपैंजी कहीं मेरा बिछड़ा हुआ भाई तो नहीं है? कल्टी मारो। हेलो ब्रदर। पीछे अफसर आए नाच रही है, सामने दारू रखी हुई है। मेक माय ड्रिंक फॉर मी। ब्रदर, सर ब्रांडी लीजिए। ब्रांडी? अरे इसे पिला दे तू, मैं चला। एक्सक्यूज मी, कौन है? तू कहाँ था? अरे मैं तो यही हूँ, तू कहाँ चला गया था? मेरे पीछे तो लड़की पड़ी है, तू क्यों भाग रहा है? तेरे पीछे लड़की पड़ी है, मेरे पीछे चिंपैंजी पड़ा है। अरे रुको। अरे मैं भी जंपिंग झपाक। एक सेल्फी प्लीज। ओ, तुझे सेल्फी लेनी थी क्या? अबे एप्पल के जमाने में तू ये चीकू जैसे फोन से सेल्फी ले रहा है? सुन चिंपैंजी भाई, तू इसी तरह खड़ा रहे, मैं लाइव फोटो शूट करूंगा। ओके, वन टू थ्री। सुपरस्टार की फोटो चीकू फोन से खींच रहा था। हाँ हाँ सेठ जी बोलिए। मलेशिया जाते ही फोन करने को बोला था, अभी कहाँ हो तुम लोग? आप हमारे बारे में कितना सोचते हैं? तुम्हें वहाँ से जो सामान लाने को कहा था वो लाओगे ना? हाँ सेठ जी, मैं लेकर आऊंगा, नूर महल में लाना है ना? नूर महल संभाल के आना और होशियारी से पासल लाना। हाँ चलो। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, बस यूँ गया और यूँ आया। हीरो, तू जिस लड़की की बात कर रहा था, क्या वो लड़की यही है? तुम्हारा मंगेतर अकेला है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ वही। अरे बाप रे, इसके चक्कर में हम सब मर जाएंगे। मतलब? अरे ये तो कोचा की बहन निकली। अरे रुक चुक गया, चल जल्दी चल, भाग 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 भाग। हेलो। अरे कहाँ जाए? यहाँ से आ जा, चल चल चल। कहाँ गए? यहाँ। पता नहीं किसका कमरा है ये। अरे किसी का भी हो, हमें क्या करना है, यहाँ तो शराब की नदियाँ बह रही है। अबे दरवाजा खुला, कोई आ रहा है। चुप 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 जल्दी। अरे उंगलियाँ क्यों आ रही है, तू कहाँ गया? आजा आजा। नोचा हो गया रे कोचा। फैंटास्टिक। अगर ये नायाब चीज मार्केट में आ गई तो इसकी कीमत 60 करोड़ से भी ज्यादा होगी। आप श्योर हैं? 100%। मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे आगे क्या करना है। क्या करना है तुझे? मैं हीरा चुराऊंगा। किस लिए? ये आसानी से पैसे तो देगा नहीं, इसलिए हीरा ही एक रास्ता है। ये तो नामुमकिन है। अभी टाइम क्या हो रहा है? 11:05, मतलब 11:59। न्यू ईयर के लिए 12 बजे से पहले सारी लाइट्स बंद की जाएगी। अच्छा, उसी अंधेरे का फायदा उठा के मैं हीरा चुरा लूंगा। ऑल द बेस्ट।
ए, जाओ देखो ये आवाज कहां से आ रही है। आ गिर गया। रुको रुको। सॉरी। अब वक्त हो गया है पार्टी शुरू करने का। 5, 4, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। हेलो, पहचाना मुझे? जगमोहन का बेटा बोल रहा हूँ। जगमोहन का बेटा? ए! नया साल मुबारक हो। नए साल में तुझे बकरा बना दिया मैंने। जरा देख तो तेरा हीरा सही सलामत है कि नहीं। पुलिस से। हाँ। हीरा यहीं पर है। कहते हैं कि हीरे का स्वाद बड़ा अच्छा होता है। निकाल इसे। एक बार चक 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 के तो देख कैसा है स्वाद। खा इसे। मीठा है सर। क्यों तेरा मुंह कड़वा हो गया क्या? मुझे तेरे हीरे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ पिताजी के पेमेंट से मतलब है। 50 लाख रुपए दे दे और आगे अपना हीरा ले जा। लेकिन अकेले आना, अगर अपने आदमियों को भेजा तो हीरा नहीं मिलेगा। भाई वो सच में अकेले आया होगा ना, कहीं ट्रेन में उसकी पब्लिक तो नहीं है। वो अकेले नहीं है, देख पीछे उसके आदमी भी है। आने दे, मैं देखता हूँ इसको। तू जा यहाँ से। चल। आ बोल। ओए कोचा, कर दिया ना तूने लोचा। अकेले आने को कहा था ना, फिर आदमियों को क्यों लेकर आया? बहुत चर्बी चढ़ी है। मैं तेरे घर में घुस के तेरा हीरा ले गया और तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया। ए, तू कहाँ है? ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। इधर देखिए, वो रहा। पकड़ो उसे। रुक। पकड़ो उसे। गिद्ध की तरह इधर उधर घूर रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हो सकता है जिसे ढूंढ रहे हैं वो फ्लाइट में बैठ चुका हो। फ्लाइट में तो क्या, अगर वो जहन्नुम में भी चला गया तो वहां से उसे ढूंढ लाऊंगा। ए, इधर क्या कर रहे हो? वो मिला या नहीं? अचानक गायब हो गया। जाओ ढूंढ के लाओ उसे, वो यहीं कहीं होगा। ठीक है। सब काम चोर पर रखे मैंने। ए, जाओ ढूंढो उसे, जाओ। दिस वे। थैंक यू। वेलकम सर। कोचा, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं पैर। आ, क्या पैर है तेरे कोचा, तू वैक्सिंग कराता है क्या? मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है। इसके सामने हाथ की जोड़ लोचा ना हो जाए, इसलिए कोचा के पैर पड़ रहा हूँ। अरे सामने लड़की है। लड़की है? क्या हो गया? बच गया रे। क्या कर रहा, पागल हो गया क्या?
मुझे तो कोचा फोबिया हो गया है, हर पैसेंजर मुझे कोचा लगता है। जाकर भी नहीं आ पाएगा। पक्का? मैं आने से पहले उसका काम भारी करके आया। कौन सा काम रे? ब्लेड से उसका हाथ काट दिया। तो वो धोएगा कैसे? सर सर सर, ये लीजिए आपकी टिकट। हेलो, सॉरी सॉरी, यू कांट गो इनसाइड। व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? देयर इज ब्लड ऑन योर शर्ट। लुक, हमें रोक नहीं सकते। आप लोग अलाउड नहीं है। ले जाओ इन्हें। तुम लोग देख देम आउट। कुछ भी हो जाए मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। मैं होता तो उस कोचा का मुंह नोच लेता। अपना टिकट दिखाइए प्लीज। कहीं तुम तो कोचा नहीं हो ना? टिकट मांग रही है यार। अच्छा, इस तरफ। गणपति बापा, गणपति बापा, गणपति बापा। ये लड़की दिखने में कोचा की बहन लग रही है ना? अबे वो लग नहीं रही है, वो तो कोचा की बहन ही है। गणपति बापा, उसे बचा लेना, बचा लेना। चल सीट पे चल। मेरे को नहीं मरना। मैं उसके बहन की बगल में बैठकर अपनी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। तू बैठ जा, मैं पायलट की केबिन में जाता हूँ। मुझे हर दुख से दर्द से दूर रखना। सॉरी मैडम। ठुमका मत लगाओ, दिखाई नहीं देता। तो आंखें खोल के अपने पैर पे ध्यान दिया करो, ऐसे पैर लंबे करके बैठोगी तो कुचला ही जाएगा ना। बात करती है बेवकूफ, लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, गणपति बापा मुझे बचा लेना, बचा लेना। सबकी रक्षा करना, भगवान की रक्षा करना, सही सलामत पहुंचा देना, मुझे सही सलामत जमीन पर उतारना। फर्स्ट टाइम है क्या? हाँ? मतलब पहली बार फ्लाइट में उड़ रही हो क्या? नहीं नहीं नहीं, फ्लाइट से तो मैं कई बार आती जाती रहती हूँ, पर मतलब सिर्फ पायलट का ही फर्स्ट टाइम है। जब मैं आया तो वो कॉकपिट समझकर टॉयलेट में घुस गया। क्या? अरे पिछले हफ्ते युगांडा से जो प्लेन आ रहा था वो लैंड होते ही फट गया, 200 लोग मर गए। कुछ दिन पहले सुदान से जो फ्लाइट निकली थी वो पानी में जाके बोट बन गई। और रशिया के फ्लाइट के इंजन में कबूतर के फंसने से। बस करो बस करो, फ्लाइट में सच में पहली बार बैठी हूँ। प्यार से पूछा तो झूठ बोला, डराया तो सब सच बोल दिया। वो तो मैं ऐसे ही फेंक रही थी। तुम्हारी कुर्सी की पेटी को देख कर ही समझ गया था इससे पर्स को नहीं खुद को बांधना है। अच्छा, थैंक यू सो मच। डरती हो फिर भी जा रही हो, कोई जरूरी काम है क्या? मुझे एक बड़े ही खास आदमी से मिलना है। ऐसा क्या खास है उसमें? सुनो, छोटी सी कहानी है। कल हमारे घर पार्टी में एक लड़का आया था। पार्टी में तो बहुत से लोग आते हैं, तुम्हें उसका नाम पता है क्या? उसका नाम होगा पंछी। पंछी बनाने के बाद पिंजरे में डालेगी। कल चोरी करने आया था वो। गया काम से। जल्दी जाना होगा वरना लेट हो जाएगा। कहाँ निकलना है आपको? मैं बाथरूम की बात कर रहा था। सुनकर जाओ, उसने कल रात को मेरा दिल चुरा लिया। दिल चुराया है? हाँ। मुझे लगा कोई महंगी चीज चुराई होगी, जैसे कोई हीरा। नहीं नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ? वो जेम्स बॉन्ड की तरह आया, सुपरमैन की तरह चोरी की और बैटमैन की तरह उड़ने लगा। उसकी हर अदा पे मैं फिदा हो गई थी। मेरी तरफ देखो, जैसे तुम मुझे देख रहे हो ना, मैं उसे देख रही थी। और उसी चक्कर में नीचे गिर गई। तभी उसने जंगल बॉय की तरह छलांग लगाई और मुझे पकड़ लिया। पता है, एक हाथ में रस्सी थी और दूसरे हाथ में मैं। उसके बाद हम दोनों हवा में डांस करने लगे। फिर मैं उसके बहुत ज्यादा करीब थी। फिर उसने मुझे पानी में फेंक दिया और भाग गया। काश एक बार उसका चेहरा देख पाती तो पहचान लेती। नहीं देखा। उसी वक्त मैं समझ गई थी कि मैं लैला हूँ और वो मेरा मजनू। अच्छा ये बताओ, तुम्हें बताकर मुझे क्या फायदा? हाय बोला। बता दिया तो बता दिया। अच्छा ये बताओ, तुमने तो उसका चेहरा नहीं देखा, नाम भी नहीं जानती हो, तो उसे ढूंढने का प्लान क्या है? ये है उसका पहचान पत्र, ये उसी का स्कार्फ है, इसके पीछे छिपी उसकी आंखें मुझे याद है। देखते ही तुझको प्यार हो गया, न जाने कब होगी आंखें चार। बंदूक चलेगी, गला भी कटेगा, कोचा के चक्कर में लोचा हो जाएगा। फ्लाइट नंबर 102 का बोर्डिंग शुरू हो चुका है। ये अंदर क्या है? मेरा सुरक्षा कवच है साहब। क्या? चलो दिखाओ। ये देखिए, बाबा बंगाली का नुस्खा, इससे काली बिल्ली रास्ता नहीं काटती, कौवा भी पोटी नहीं करता। छूना मत। बाबा बंगाली ने कहा था पराए मर्द को इसे छूने मत देना। जय हो बाबा बंगाली खली वाली। अबे जाओ जल्दी जल्दी। ये आगे देख लो, साइड में देख लो, पीछे भी देख लो। अब खुश? देखा, चेक ही नहीं किया। अरे तू तो उसके साथ गप्पे लड़ा रहा था, लेकिन वो डायमंड कहाँ है? वो तो कोचा की बहन के बैग में पहले डाल दिया था। उसके बैग में क्यों डाला? Hands up! लाइटर है। थैंक यू थैंक यू। अरे वाह, पोनी हो गई। मैडम ये आपका पर्स है? हटाओ इसे। देखा मैडम, कितने लापरवाह लोग हैं, पहले पर्स को गिरा देते हैं और बाद में ढूंढते रहते हैं।
वो तो मैं शक्ल से ईमानदार हूँ इसीलिए पूछ लिया। ओह, आप तो एक फरिश्ता है, नाम क्या है? मेरा नाम, मुझे तो लोग प्यार से टोपा बाबू बोलते हैं और मैं टैक्सी चलाता हूँ। टोपा बाबू मुझे होटल छोड़ देंगे? ये कोई पूछने की बात है? लाइयो बैग दे दीजिए। नहीं, ये मैं किसी को नहीं देती। बहुत शरणी है। कहाँ चली गई वो? ये फोटो में आप ही हैं क्या टोपा बाबू? हाँ मैडम, वो मैं ही हूँ। एक बार एक आदमी मेरी टैक्सी में 30 लाख रुपए भूलकर चला गया। हाँ? और मैंने वो पैसे जाकर पुलिस स्टेशन में जमा कर दिए। तो उस वक्त इस एसपी चौधरी ने मुझे इस ट्रॉफी से नवाजा। आगे का प्लान क्या है? उसने होटल का नाम क्या बताया था? JW मैरियट, होटल ताज, कल्लू का ढाबा, नाके की टपरी। हाँ हिल्टन। गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हम दोनों को एक स्वीट रूम चाहिए। ओके, 15,000 प्लीज। ओह, 50,000? नहीं सर, 15,000। हाँ, समझ गया, लाओ 50,000। मैडम आपकी कौन है सर? फिनेंसियर। मतलब फाइनेंसर? ओहो, समझो इससे मेरी शादी होने वाली है। यू मीन फियोंसे? हाँ वही होने वाली बेबी। लाओ चाबी दो। आइए मैडम, अंदर आइए, आइए, आपको ये रूम बहुत पसंद आएगा। ये तो कितना अच्छा रूम है। एक्चुअली मेरे साथ जो भी आता है उसका मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। ये लो। मैडम, मुझे इन पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको कहीं घूमने जाना हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे नूर महल जाना है। नूर महल? हाँ यही तो है। तो मुझे ले चलिए ना वहाँ पर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं तो तैयार हूँ ही। मैं अभी आती हूँ। अरे लूट लो। ओ माय गॉड। अबे फिल्म की शूटिंग चालू है क्या? मैं सच कह रही हूँ, मेरा सारा सामान लेकर भाग गया। मेरा जजमेंट सही निकला, हमें भी मूवी में चांस मिल जाएगा। भाई तू हीरो, मैं कॉमेडियन। हाँ, वो सब कुछ लेकर भाग गया। डायरेक्टर से बात करके मुझे रोल दिलवा देना। अरे ये तो वही है जिसको ढूंढ रहे हैं, वो सामने खड़ी है। आपको पता मेरा सारा सामान था बैग में। सॉरी मैम, एक्सट्रीमली सॉरी। कहेगा सॉरी? इतना बड़ा होटल है, उसके नल में पानी नहीं आ रहा, बेचारी नहाएगी कैसे? ये यहाँ टॉवल पहन के खड़ी है, ये तुम्हें देख के मजा आ रहा है? बार में तो रात को 3 बजे तक शराब की नदिया बहाते हो और नल में एक बूंद पानी नहीं है। खोल दो, सब कुछ खोल दो। मैडम बाथरूम में नहा रही थी, इनका बैग और सामान कोई ले उड़ा। उस बैग में तो हमारा भी सामान था। बैग मेरा है, टेंशन तुम्हें क्यों हो रही है? समझने की कोशिश करो मैडम, चाहे बैग आपका हो या हमारा हो, बात तो एक ही है ना मैडम? बात तो एक ही है, हम भी साथ आए, हमारे बैग भी साथ आए। आप भी यही के हैं, मैं भी यही का हूँ, हम यही के हैं, हम यही के हैं, हम यही के हैं। और अगर हमारे शहर की लड़की पे कोई उंगली उठाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मैनेजर सामने आ। क्या बात है सर, क्यों बुला रहे हो, क्या चाहते हो आप? बातें कम और काम ज्यादा चाहिए, वरना होटल हिला के रख दूंगा। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जो करना है वो। अरे करने को क्या बचा है? इस बेचारी लड़की की हालत देखो, लोग कैसे घूर रहे हैं इसे। गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। हां बुला बुला, जिसको बुलाना है बुला ले, हम नहीं डरते। हेलो पुलिस स्टेशन। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, आपस में मामला निपटा लेते हैं, हम बहुत शरीफ लोग हैं। नवाज शरीफ। अब वैसे यहाँ हुआ क्या था भाई साहब? किसी ने इनको बेवकूफ बनाया, यहाँ पर रूम बुक किया, वो भी इनको अपनी वाइफ बोलकर। उसने कहा इसको बच्चा होने वाला है और सारा सामान लेकर यहाँ से भाग गया। अरे बाप रे, अब इस बेचारी अबला का क्या होगा? तुमको बहुत मजा आ रहा है क्या? चुपचाप निकलो यहाँ से, नहीं तो पुलिस आगे निकालेगी। अजीब बात है, मेरा एक तो नुकसान हमारा हुआ और हमें ही डांट रहा है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, किसी की मदद करो तो जूते ही पड़ते हैं। ये देखो गैलीलियो मर गया लेकिन टेलीस्कोप इसकी आँख में फिट कर गया। ओ ताऊ जी, कर रहे हो खुली आँखों से प्यार का इजहार? आँखें हटा लो वरना कुड़ी कर देगी सैंडल से वार। जादू देखना चाहोगे ताऊ जी? ये तेरे हाथ में क्या? अनछुआ अनधोया दादाजी का लंगोट, ये आपके इज्जत के नाम। उसे आप जानती थी? नहीं। उसकी गाड़ी का नंबर आपको याद है? नहीं था। हाँ लेकिन उसकी टैक्सी में एक फोटो था जिसमें वो कमिश्नर से अवार्ड ले रहा था। कमिश्नर से अवार्ड? कहीं वो टोपा तो नहीं दे रहा था? वैसा ही कुछ नाम था उसका। अरे वो झोलर है जिसकी फोटो आपने देखी, वो कमिश्नर नहीं है, वो नुक्कड़ नौटंकी का सुपरस्टार है, उसमें एक एक्टिंग का कीड़ा बसा है। मुझे लगता है चूरन देकर उसने मोहतरमा को पटा लिया है। कहाँ ढूंढेंगे उसे? अबे उसका अड्डा है ना। सर अपना फोन तो देना मुझे। ये लीजिए ना, बटन दबाइए, फोन चालू। थैंक यू। घूर क्यों रहा है, इनकमिंग फ्री है रे, नारी की सेवा मिलेगा मेवा। अरे मलेशिया का नंबर इतनी जल्दी लग गया? अरे मिस कॉल देना था। हाँ भाभी ये क्या है देवी, तुम्हें कहा था ना पहुँच कर फोन करो। मैंने उनसे झूठ कहा था कि तुम फ्रेंड के घर गई हो। एक टैक्सी ड्राइवर मेरा सारा सामान लेके भाग गया और बैग में ही पैसे पासपोर्ट सब कुछ था, और जिसे मैं ढूंढने आई ना भाभी, उसका मास्क भी तो उसी में था। देवी को कहाँ भेजा? फोन कर
कट गया बैलेंस नहीं क्या? कट गया क्या? कट नहीं हुआ, काट दिया गया। औकात के बाहर इंटरनेशनल फोन लगाया था ना, रिचार्ज खत्म। अरे ये क्या हो गया, आजकल की औरतों का भरोसा नहीं, कब धोखा दे जाए पता नहीं चलता। लोकल कॉल लगाना था, इंटरनेशनल क्यों लगाया? दूसरे की मदद करने के चक्कर में मैं खुद कंगाल हो गया। चल पता मुझे कहाँ गई है वो। वो पंछी को ढूंढने के लिए मुंबई गई। तो ये बात है, अब चलो सब लोग मुंबई जाने की तैयारी करो। हाँ यार इतनी भीड़ क्यों जमा है? मालूम नहीं भाई, ये अपने टोपे का घर तो नहीं लग रहा है। इस घर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी हाथ देखने वाले ज्योतिष का घर है। ये ज्योतिष क्या होता है? ज्योतिष आपके मन की बात को पढ़ लेता है, ग्रहों को देखकर आपकी किस्मत चमकाता है। नमस्ते आंटी जी, मिस्टर टोपा घर पे है क्या? ये झाड़ू को हथियार बना के अपनी तरफ की आ रही है। तू कौन है, उस चोर का दोस्त है क्या? हथियार फेंको और खुद को हमारे हवाले कर दो। तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, पर जो भी हूँ मैं हूँ। माफ कर दीजिए। और ये मेरा असिस्टेंट है हिलो, और ये मेरी सेकंड असिस्टेंट है। तुम बिल्कुल मत हिलना, मैं हिलता हूँ। माफ कीजिए साहब। ये कौन सा कार्ड दिखाया तूने? ये वोटर आईडी पे बस का पास बनवाया था। शांता बाई इसी को देखकर डर गई। शाबाश, दिस कार्ड इज बीएसटी मुंबई। वो टोपा हमें टोपी पहना के हमारा सामान लेके भाग गया। हमें तो उसने लूटा ही, इस मासूम लड़की के भी पैसे ले उड़ा, हमारी पूरी बस्ती को लूट लिया। घबराइए मत, हम लोग तुम्हारी हिफाजत के लिए आए हैं। चलिए आगे बोलिए। हम उसे ढूंढते हुए यहाँ आए तो देखा ताला बंद है। अरे बाप रे, कितना बड़ा ताला लगा है। उससे पूछो जो आंसू बहा रही है। तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो शीला? उसने तो हम सबको चूना लगा दिया। कितना चूना लगाया? मुझे तो भिखारी बनाकर चला गया। भिखारी? भिखारी बनाया? जब वो आपको चूना लगा रहा था तब आप क्या कर रही थी मोहतरमा? मैं कौन बनेगा करोड़पति देख रही थी। करोड़पति से रोड़पति हो गई। चलो जवान, यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो तुम। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम नहीं। निकल गया हाथ से। वो तो हमसे भी ज्यादा शातिर निकला। व्हाट टू डू? वो आसपास ही छिपा हुआ है। तुझे कैसे पता चला? सामने देख, उसका पंटर उसका बंदोबस्त लेके जा रहा है। चल पीछा करें। आजा। मैं कैसे कूदूं? कैसे हूँ मतलब, जैसे मैं कूदाऊँ वैसे तुम भी कूदो। मुझसे नहीं होगा, इससे कहो घोड़ा बने। घोड़ा? घोड़ा कहाँ है रे? तेरे झुकने का टाइम आ गया। पहले मुगलों के आगे झुके, फिर अंग्रेजों के आगे झुके, मैं कैसे झुकूं? अरे तू भूल गया ये कौन है, किसकी बहन है? कोचा की बहन है। कोचा की बहन है। आज तो मैं जरूर शहीद होऊंगा। कौन सी चक्की का आटा खाती हो? हाँ हाँ बोलो सेठ, कौन सा माल भेजूं? क्या थर्रा माल चाहिए? अरे सेठ डायरेक्ट मुद्दे पे आओ ना। ये क्या, अलग अलग फोटो में अलग अलग पुलिस वाले? मतलब फोटोशॉप करके ये हमें इतने दिनों से चूना लगा रहा है भाई। अच्छा मिलिट्री रम चाहिए? माँ देखो डॉक्टर, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको किडनी चाहिए तो मैं अपने दो फोन बेच दूंगा, वो भी विद चार्जर। तेरे दो फोन नहीं बिकेंगे, तेरी दो किडनियाँ बेच कर हम लोग आईफोन खरीदेंगे। मैडम को कहीं देखा? अच्छा कहीं देखा है तूने? बेवकूफ बना, सारा सामान लूट के भाग गया। मेरे हीरो का मास्क भी ले लिया तूने, छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैडम मैडम, आपका बैग यहीं पड़ा है, इसमें गंदे कपड़े कोई खरीद भी नहीं रहा, प्लीज इसे ले जाइए। मेरा पर्स कहाँ है? आप जाके कपड़े बदलिए, मैं बाकी सामान इससे लेकर आता हूँ। अब जाइए। लग रही होगी ना, जाइए जाइए। वो बैग कहाँ है? तो वो वहाँ रखा है। ये मेरा बैग है। थैंक यू टोपा बाबू, आप धुलाई करो उसकी। तुझे पता है बैग टिक टिक वो तो मेरे लिए। इसे तो हम बाद में धोएंगे, लेकिन वो हाथ से चली जाएगी तो क्या होगा? अरे इसके लिए तो बहुत गोल्डन प्लान बना के रखा है मैंने। भाइयों और बहनों, आपका चोर अंदर है, मारो। अरे अब वो कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढूं उसको? कोई तो उठाओ। देखा हमने इतनी मदद की और तुमने थैंक्स भी नहीं कहा, इसीलिए ये हुआ। लोग मत मारो, हाथ दो। मुझे हाथ दो। मेरी कमर। देखा ऊपर वाले की मार, क्या जोर की लगी। क्या लगी? अरे क्रैक। अच्छा अच्छा। अब मैं नाइट क्लब में ढूंढ के कैसे लगाऊंगी? इस तरह गई तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा, पहले अपना इलाज करवा लो। इलाज? तुम ही कर दो ना। मैं सिर्फ पुरुषों का इलाज करता हूँ, स्त्रियों का बिल्कुल नहीं। तो कौन मेरा इलाज करेगा? इसे अम्मा के पास लेकर जाते हैं और अम्मा ऐसा मसाज करेगी कि दर्द का पुतला बाहर निकल जाएगा और अपना भी काम बन जाएगा। क्या कहा? दर्द निकल जाएगा, काम बन जाएगा। सही आइडिया है, चलो इसे लेकर चलते हैं। हाय, मर गई। पारू जल्दी आ इधर। अरे ये तो पेट से है, इसे कहाँ से ले आया?
अरे मैं बेइज्जत हो रहा हूँ, दिमाग है कि नहीं? मैं हमेशा कहती थी कि ऐसे लड़के से दोस्ती मत रख। अभी तो तू बच गया बच्चू। दादी धमकी दे रही है। अरे विराज, ये कौन है, कहाँ से लाया? ये देवी है माँ, ये मलेशिया से आई है, सीढ़ी से गिर गई थी, कमर में मोच आ गई है। तो डॉक्टर के पास ले जा, इसे यहाँ क्यों लाया तू? चलो डॉक्टर। कहाँ जा रहे हो? किसी ने बताया कि आप मेरी कमर ठीक करेंगे? क्या बोला इसने? क्या कर रहा है ये? मुझे मालिश वाली क्यों कह रही है? और पिताजी ने कर्जा लिया था। तेरे पिताजी ने लिया तो मैं क्या करूँ? राई का तेल लो और उसकी पीठ को आटे की तरह गूंदो, मोश ठीक हो जाएगी। अच्छा, बहुत इजी काम है। शुरू कहाँ से करूँ? अरे माँ, पीठ की मालिश करनी है तो उल्टा लेटना होगा ना। उल्टा लेटना है? ठीक है, मैं उल्टा लेटती हूँ। अरे माँ, तुम उल्टा लेटोगे तो मालिश कौन करेगा? लड़की को उल्टा लेटना होगा। जिस तरह आटे को गूंदती हो ना, लड़की को पलट दो और उसे भी वैसे ही गूंद दो। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं, मुझे तो मालिश वाली बना कर रख दिया। अब क्या? तेल लो, तेल लो। क्या? अरे तेल लो। तू डांटेगा तो मैं नहीं करूंगी। अच्छा माँ, प्यार से बोलता हूँ, तेल लो और मालिश शुरू करो जल्दी, और साथ में गाना भी गाओ। अरे वाह, क्या बढ़िया सुर लग गया है ना। आपके गाने के चक्कर में इसकी बैल बज रही है। रो मत बेटा, ठीक हो जाएगा। और ये बैग क्यों पकड़ के रखा है, उसे दे दे। ये मेरा बच्चा है। अच्छी मालिश की ना? कमाल कर दिया। ए विराज, ऐसे नालायक दोस्त को दोबारा कभी घर पर मत लाना। खामोश। तेरी तो। अरे अरे अरे, मेरी कमर ठीक हो गई। क्या बात है दादी, आज तांबे के लोटे का पावर पता चला। अरे वाह, मेरी कमर ठीक हो गई, अब मैं डिस्को जा सकती हूँ। मैं जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। अपना बैग तो लेती जाओ बहना। मैं तो मदद कर रहा था। अरे रुको 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 रुको, ऐसे कैसे जा रही हो? तुम्हारा इलाज अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मेरी कमर बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है ना? कौन सी प्रॉब्लम? अरे बेटी, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा आराम कर लो, खा लो, पी लो। मुझे आराम नहीं करना, सबसे पहले तो मुझे अपने सुपर हीरो से मिलना। अरे रुको रुको रुको, बड़ों की बात माना करो, आज अमावस है, आज के दिन रात को बाहर जाना अशुभ माना जाता है। जाओ अंदर जाके सो जाओ। सोने वाले जागते रहो, होशियार जागते रहो सोने वाले। तकिए की जगह बैग को ही सर के नीचे रख लिया। तुम आ गए पंछी। उस दिन पार्टी में मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, पर आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आई लव यू सो मच। अब खड़े क्या हो, मुझे होगी कोरोना। अरे कहाँ गई? कहाँ गई वो? कौन? वही लड़की जिसे मैं घर पे लाया था। अच्छा वो? क्या पता, भाभी है क्या? क्या हो रहा है ये सब, चक्कर क्या चल रहा है? कैसा चक्कर? तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यही है, इस वक्त वो नहा रही है। बहुत बढ़िया लगी। अरे कहाँ जा रहा है, उसको नहाने तो दे। गुड मॉर्निंग भाभी। एक कॉफी मिल सकती है क्या? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, तुम्हारा ही तो घर है, चाहो तो चाय पी लो, कॉफी पी लो, और जो चाहे वो पियो। लगता है सबका दिमाग खराब है। लो बेटा कॉफी पी लो। ये ग्लास में क्यों दी, मुझे तो कप में चाहिए थी। अब पी भी लीजिए, मेरे भैया भी इसी कप में पीते हैं, मीठी लगेगी। भाई के ग्लास में, ची 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 ची, सोच के उल्टी आ रही है। नाटक करना बंद कर समझी, जब कल रात में विराज को चुम्मा ले रही थी तब बुरा नहीं लगा? चुम्मा? हाँ, चुम्मा। नहीं। ए, सुनो, कल रात क्या तुम मेरे बेडरूम में आए थे? तुम्हारा बेडरूम? वो मेरा बेडरूम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें पता है मैं नींद में थी और तुमने मुझे किस किया था, तुम्हारे सारे घर वाले उसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से गलत, वो किस मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे किया। मैंने?
तुम नींद में पंछी पंछी कर रही थी, मैं तो बगल से जा रहा था, तुम्हें लगा मैं ही वो पंछी हूँ और तुम मुझ पे झपट पड़ी। ये कैसे किया मैंने? अभी बताता हूँ कैसे। तुम क्या कर रहे थे, रोका क्यों नहीं मुझे? अरे जो लड़की दिन दहाड़े इल्जाम लगा सकती है उसे रात को बेडरूम में जगाता तो सबूत के साथ इल्जाम नहीं लगाती। बहुत हो गया, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ मैं। हाँ ठीक है जाओ, कौन रोक रहा है। हाँ जाते जाते कल की मालिश से लेकर सुबह की चाय तक का सारा पैसा दे देना। भिखारी कहीं के, तुम धोखेबाज हो, तुम्हें बस धोखा देना आता है। ये कला तो विरासत में मुझे अपने बाप से मिली है। हमें लफड़ा हो गया, इस डब्बे में तो हीरा है ही नहीं। क्या बात कर रहा है, हीरा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हीरा लड़की के बैग में गिर गया। तू फोन रख, मैं जाके देखता हूँ। बताइए तो सही जाना। अबे घोचू तू रिक्शा भगा, मैं तेरे को एड्रेस रास्ते में समझाता हूँ, चल। देखो ये नहीं क्या है ये। जाओ तुम। तो फिर ये क्या? नो। जाओ ये बिल्कुल ये, ये भाई ये तो पुलिस वाली है। हेलो मैडम। सॉरी मैडम। तो पता चल गया, हटो। और दो है ना जो मलेशिया गए हुए हैं। अरे हाँ बेटा, दो नए लड़के पार्सल लाने गए हैं, वो धन वन सब छोड़ सकते हैं पर बिरयानी नहीं छोड़ सकते। ये लो पकड़ो, बैग में रख दो। मिल गया। कहाँ? वो देख। क्या हुआ? बैग सामने ही है। हमें देखकर कितनी खुश लग रही है। वो ठसन दे रही है। ठसन क्यों दे रही है रे? थोड़ा सा जान बनना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाओ टेढ़ा। तुम कल लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मुफ्त का खाना खाने आए हो? इसे याद दिला मैंने क्या कहा था, याद दिला इसे कहा था कि, मैं इसके पंछी को कैसे भी ढूंढ के लाऊंगा। ये ओवर एक्टिंग करना बंद करो दोनों, मैं सब लड़कों को देख चुकी हूँ, अब बस दो ही बचे हैं, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। नमस्ते। तुमने यहाँ पे हाथ क्यों लगाया? आपने मेरा बैग पकड़ा, मैंने आपका बैग पकड़ा, उसमें क्या हुआ? कैसा लगा तुझे? बहुत ही हसीन नाज़नीन कमसीन लगती हो बेगम। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इस एरिया की पुलिस ऑफिसर। गलत निशाने पे तीर लग गया। अच्छा इस बैग में है क्या? चॉकलेट है अंदर। ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा बैग है, ये दोनों चोर मेरी बैग के पीछे पड़े हैं। दीजिए ना मैडम। अब तो इंक्वायरी के बाद ही मिलेगी बैग। इधर आ, क्या तूने पी रखी है? बचपन में जब से दूध की बोतल छोड़ी है तब से मुंह में कोई बोतल नहीं लगाई। मुखौल ब्रश करके आया हूँ। अब मेरे दोस्त की पुंगी बजाने का टाइम है। हाँ, तो तू भी जाके नगाड़ा बजा, चल जा। एक मिनट, कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं अब्दुल रजाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जगमोहन का बेटा यहीं पर है, जाओ लाओ उसे। हम किसी का भरोसा नहीं तोड़ते हैं और हम गद्दारों की जान लेके छोड़ते हैं। क्या रहा मार? अरे रहने दो सूरी। भागो। कैसा बनाया तेरे को? या अल्लाह शुक्रिया। ए, ये क्या हो रहा है? चकमा देके निकल गया। जाओ पकड़ो उसे, जाओ। चलो
उबर जाओ। बेटा विराज, तू किसी से मिलने मलेशिया गया था क्या? वो लोग तुझसे मिलने यहाँ आए हैं। उससे कहो कोचा आया है। हाँ, कोचा नाम है। उसके पिता के पैसे लौटाने आया हूँ। वो पैसे लौटाने आए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? दर्शा। बहुत खूबसूरत नाम है। जल्दी घर आ जा बेटा। जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत वक्त है। क्या नाम है इसका? और विराज की बड़ी बहन कहाँ है? पता है, हमारा घर उन्हें बड़ी मुश्किल से मिला है। अरे मुश्किल कैसी, अगर सही जगह पहुंचना है तो मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा, और जो भी काम बाकी बचा है आज खत्म कर दूंगा। उससे कहो मैं आ रहा हूँ। Thank you.
विराज तू कहाँ रह गया था? वो कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं? कहाँ है वो? मुन्ना बहुत रो रहा था इसलिए उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए हैं। घुमाने? हाँ, आप वो निधर ही थे, आज छोड़ेगा नहीं। कोचा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। चल चल ऊपर आ जा। अच्छा हुआ तू आ गया। बच्चा रो रहा था तो मैंने इसे गन दे दी। अब ये खुश है। ये नहीं जानता ना कि ये कितनी खतरनाक है। ये नादान है, पर तू तो समझदार है। फिर क्यों मौत से भिड़ने आ गया? बोल, मेरा डायमंड कहाँ है? ला दे मुझे जल्दी। तेरे बाप को मैंने बंदी बना रखा है, इसलिए सोचा तुझे भी बंदी बनाकर ही मारूं। मैं सिर्फ इसके लिए यहाँ नहीं आया, मैं खास तौर पर तुझसे मिलने आया हूँ। तेरे बाप के मुंह से तेरा नाम सुन सुनकर पक गया हूँ। तेरा बाप यहाँ नहीं रहता मैं जानता हूँ, लेकिन तुझे घबराने की जरूरत नहीं। तेरा बाप मेरे पास है, एक गुलाम की तरह। अब क्यों ना थोड़ी एंजॉयमेंट हो जाए। सुपर। तेरी तरह तेरा बाप भी मुझसे पैसे लेने आया था। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया कि मेरा एक और काम है जिसे वो खत्म कर दे। उसने मेरी बात मानी और अपने लोगों के साथ काम पे लग गया। ये क्या, ये पत्थर यहाँ? साहब, ये पत्थर जहाँ भी मिलता है वहाँ हीरा जरूर होता है। मैं भी जानता हूँ कि उस जमीन के नीचे हीरा है, और ये जानते हुए भी मैं उसे ना निकालूं, मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? हीरे की जानकारी सरकार को होनी चाहिए। हम ये हीरा नहीं निकालेंगे। तेरे बाप ने हीरा निकालने से मना कर दिया। हम ये काम नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ए सुनो, काम मत करो, चलो यहाँ से। तेरा बाप बेचारा सीधा साधा, मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। कडप्पा में ही मैं उसे मारना चाहता था। डर मत, तेरा बाप सही सलामत है। अगर हीरे नहीं निकालोगे तो जान निकाल दूंगा, सब मरोगे। मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मेरे पार्टनर ने तेरे बाप के दो आदमियों को मार डाला। तेरे बाप ने एक ही रट लगा रखी है कि मेरा बेटा आएगा, पर अब मैं तेरे बाप को बताऊंगा कि उसका बेटा कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपने हाथों से उसे मार दिया है। सुन। इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुझे। जब मेरे आदमी लिफ्ट की रस्सी काटेंगे, तब ये लिफ्ट धरती के अंदर घुस जाएगी और तू सीधा ऊपर चला जाएगा। फिर भी तू बच गया और अपने बाप को रिहा करना चाहे तो आ जाना कडप्पा उसे बचाने के लिए। लिफ्ट ऊपर कर। अब काटो रस्सी। अरे नहीं, छोड़ दो इनको। तुम लोग कभी सुखी नहीं रह पाओगे। छोड़ दो मेरे बच्चे को। ऐसा मत कर, चल अंदर, चल चल, बैठ जा।
हे भगवान, अरे मुझे पैसे लेने के लिए बुलाया था, मगर ये हो क्या रहा है यहाँ? क्यों रो रहे हैं आप सब? क्या हुआ? क्या हुआ चाचा? विराज बाबू लिफ्ट में थे और वो पानी में चली गई। तेरा बाप और कहीं नहीं है, मेरे पास है। मेरा गुलाम बनकर मेरे पास रहता है। अगर तुझ में हिम्मत है और अपने बाप को बचाना चाहता है तो आ जा कडप्पा, आप बचा ले उसे। कर्जा लेकर भागे नहीं है, उस कोचा ने उन्हें गुलाम बनाकर रखा है। विराज अब तू क्या करेगा भाई? उसी ने मुझे दावत दी थी कि जिंदा बचा तो कड़प्पा आ जाना। मैं तो बच गया पर वो नहीं बचेगा। बेटा, माँ वक्त आ गया है कि एक बेटा अपना फर्ज निभाए। कोचा तू गया। बेटा वो बहुत खतरनाक है, तू उससे लड़ने अकेला जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए माँ, इसे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि विराज के साथ आपका आशीर्वाद है। कोचा तेरा अंत पक्का है, जा मेरे भाई, मैं तेरे परिवार की रक्षा करूंगा, तू बस कोचा को ऊपर पहुंचा। क्यों दामाद जी? शादी की तैयारियां हो गई है ना? शादी की तैयारी चल रही है, पर ये बताइए उस लड़के का क्या हुआ? मैंने उसे जहन्नुम में पहुंचा दिया है। जगमोहन के बेटे को मार दिया। बहुत खुशी की खबर है, थैंक यू। अगर वो हीरो है तो मैं भी पुराना हीरो हूँ। अरे सुनो, अच्छी खबर है, तुम्हारे आशिक को मार डाला। विराज अभी तक जिंदा है। क्या? और हमारे इलाके में घुस आया है। लाख लाख शुक्रिया भगवान। क्या हुआ कोचा? तेरी लिफ्ट भी मुझे दुनिया से लिफ्ट नहीं करा पाई। वहीं पे रुक, आ रहा हूँ तेरे पास। ए, गाड़ी निकालो, चलो जल्दी। तूने कहा था जिंदा बचे तो आ जाना, ये देख तेरे सामने हूँ जिंदा। ओ कोचा, तेरी तरह झुंड में शिकार नहीं करता, तुझ जैसे को तो मैं टहलते हुए अकेला ही संभाल सकता हूँ। चुटकियों में मैंने तेरा पूरा सिस्टम हिला के रख दिया, विदेश से सीधा अपने देश घसीट लाया, ये होती है ताकत। आजमा ले मुझे एक ही बार में ढेर। लगता है तेरा सामना पहली बार किसी मर्द से हुआ है, आज तक खच्चरों से लड़ता रहा है तू। ए! क्या है? क्या है हर बात पे चिल्लाता रहता है?
तुझे ये तेरे चिल्लाने की आदत ही आज भारी पड़ गई। बातों बातों में तूने मुझे मेरे बाप के बारे में सब कुछ बता दिया। ए, माना मैं नालायक बेटा हूँ, लेकिन बाप की तकलीफ कोई भी बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाप पे अगर कोई उंगली भी उठाए तो उसका हाथ उखाड़ देते। बाप क्या चीज होती है तुझे क्या पता? ना जाए सौलाद। ट्रेलर तू मलेशिया में देख चुका है, पर ये कडप्पा है। क्या मैं तुझे पूरी फिल्म दिखाऊंगा? अरे तेरी फिल्म के पोस्टर के टुकड़े यही फाड़ के फेंक चुका हूँ। अब तुझे अपनी पिक्चर दिखाता हूँ, वो भी बिना टिकट काटे। बीच में कोई भी उठा तो वो फूटेगा। तुझे तो मैं दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। अब बोल पिताजी कहाँ हैं? अपने बाप के बारे में जानना है तो उनसे जाकर पूछ। अपने पीछे देख। तुम मेरे इन लोगों को नहीं जानता। ये गांव के सीधे साधे लोग नहीं, ये मेरे लिए पागल है। अगर कोई मुझे नजर उठा के भी देखता है तो ये उसे चीर देते हैं और बाद में पूछताछ करते हैं कि ये कौन था। समझ में आया बच्चे? मैं हूँ कोचा। तो खुद को बिजली कहता है, शेर कहता है। मार मुझे, मारना। ए, बिजली की ताकत को तू समझ नहीं पाया। एक बार जब उसका झटका लगता है ना तो पूरा इंसान जल के राख हो जाता है। दो झटका। यस सर, तू सिर्फ वही कर। सर कोचा यहाँ। मालूम है कोचा, और ये भी मालूम है कि जगमन के बेटे ने उसे मारा है। अरे मेरे एरिया में आकर मेरे पार्टनर को कोई मारेगा और तू क्या छक मारेगा? अच्छा ये बता, तू है कौन? पुलिस हूँ। अच्छा पुलिस? ये बोर्ड पे हॉस्पिटल लिखा हुआ है ना, तू पुलिस का काम कर, उसको ढूंढ। आप एक बार जरा उनसे मिल तो लीजिए। आप एक काम के लिए जाते हैं और चार कामों में फंस जाते हैं। डॉक्टर कोचा किधर है? उधर आईसीयू में। इनके हाथ पांव क्यों लटके हुए ऐसे? मुझे लगता है ये योग अवस्था में। मेडिटेशन क्यों डॉक्टर? मेडिटेशन नहीं है सर, ये चमत्कार है। चमत्कार बहुत अच्छे से धोया है। ओह ये मलेशिया के गुंडे हैं, इन्हें धोना आसान काम नहीं है। धोने वाले ने बहुत रस लेके धोया है। देखिए मैं तो कहता हूँ इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर इनके गुर्दे निकाल के। अरे कोचा ठहर सा। नहीं सर, ये मेरा दोस्त है, बहुत बुरी तरह मारा है इसको। एक आदमी का ये काम नहीं हो सकता, कम से कम 100 लोगों ने इन पे हमला किया है। एक ही था वो। ओ क्या आपने देखा था? मैंने देखा था, मैं सच कह रहा हूँ। पता नहीं कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं आप। मेरे हॉस्पिटल में मुझसे होशियारी? देखिए सर ये हॉस्पिटल आपका होगा, लेकिन मैं यहाँ डॉक्टर हूँ। सिर्फ मारने से ऐसा नहीं होता, इस हालत की वजह कुछ और है। आपने उसे देखा था ना? कौन? कौन? जगमोहन का बेटा। उसे तो तुम लोगों ने मार दिया था, मुर्दा जिंदा कैसे हो सकता है? नहीं वो जिंदा है, उसी ने इनको मारा है। अरे उसने इनको नहीं मारा, गाड़ी आई और मार लग गई। क्या मतलब? ट्रेन आई और इन्हें मार लग गई। ट्रेन? क्या बकवास कर रही हो? सही कह रही हूँ। आखिरी बार इन्होंने मुझसे ही बात की थी, मैं सच कह रहा हूँ। इसी वजह से तो एक्सीडेंट हुआ। फोन पर बात करते करते पटरी क्रॉस कर रहे थे और उसी वक्त ट्रेन आ गई। सब लोग उन्हें बचाने आए थे, बस एक मिनट में ये घटना घट गई। ये झूठी है, एक नंबर की झूठी। चुप, तेरे को ज्यादा अकल है क्या? तू अपना होशियारी दिखाने के लिए फोन क्यों किया? इसको ट्रेन ने ही धक्का दिया है। ये मेरा इलाका है कोंडा रेड्डी का, इधर एक मच्छर भी पर नहीं मार सकता। मार के गया? भाग मत जाट। खाली खोपड़ी, जगमोहन का बेटा तो मर चुका है और उसे कोचा ने ही टपकाया है। मैनेजर सुन जी, मैंने और कोचा ने जो डील किया था उसका हिसाब किधर? वो सब लैपटॉप में सर। लैपटॉप। लेकिन मुझे उसका पासवर्ड याद नहीं है। तेरे को पता नहीं, तू मैनेजर है ना? मैं तो उनका पीओ सर, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। डॉक्टर सुनना, ये जो पेशेंट है ना कोचा, उसकी याददाश्त वापस आने की संभावना? सर उसकी कोई गारंटी नहीं, कभी भी आ जा सकती है। दुनिया में तू ही अकेला डॉक्टर है। कोचा को जल्दी से मेरे घर पर शिफ्ट करो और इस डॉक्टर को भी उसके साथ मेरे घर पर भेज दो। चलो सब निकलो, बस आ गई। हाँ हाँ सब यहाँ से निकल रहे हैं।
यहाँ हॉस्पिटल में आने की क्या जरूरत थी? भैया भैया कैलाश। हाँ हमारा कैलाश। एक एक से पता लूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। क्या हैसियत है तेरी, उनका कुछ नहीं कर पाएगा तू। भाई ए भाई ए भाई भैया चलो सब जल्दी आओ, बस खड़ी है। हाँ हाँ हम सब आ रहे हैं। हाँ जाइए भाई साहब हैं। ओके। अरे यहाँ भाभी, भैया को क्या हुआ? ट्रेन एक्सीडेंट? एक्सीडेंट एक्सीडेंट कुछ नहीं, पंछी ने मारा है उन्हें। पंछी? उसे कुछ नहीं हुआ है, जिंदा है। भाभी वो सिर्फ तेरे लिए बना है, कोचा को सिर्फ वही टक्कर दे सकता है। तेरे भैया ने उसके परिवार को बहुत तंग किया है, वो जरूर आएगा और तुझे अपने साथ ले जाएगा। मेरी बात मानो। भैया हम लोग दोबारा खदान में जा रहे हैं क्या? नहीं भाई, सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं। हाँ, ये ठीक। उन लोगों ने मालिक के बेटे को मार दिया। लगता है अब सारी जिंदगी इन्हीं पत्थरों में बितानी पड़ेगी। अरे विराज तू, अरे तुझे तो उन लोगों ने मार दिया था ना? मारा नहीं था, कोशिश की थी, बल्कि मैंने उसे अच्छी तरह से धोया। ये क्या कह रहा है तू? अगर कोंडा रेड्डी को पता चल गया कि कोचा को तूने मारा है तो फिर? तो क्या करेगा? अगर हम लोग थोड़ी सी ऊंची आवाज से बात करें तो ये लोग हमारा गला ही दबा देते हैं। तूने यहाँ आकर गलती की, कोई बात नहीं, मैं तुझे यहाँ से छुपा कर ले जाऊंगा। तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और यहाँ के लोग पिताजी से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि पिताजी के साथ जब तक सब लोगों को नहीं बचाऊंगा यहाँ से नहीं जाऊंगा। ए चलो चलो जल्दी उतरो, बहुत सारा काम बचा हुआ है, टाइम पर खत्म करना है। आ जा विराज। वो दरिंदा जो खटिया पर लेटा हुआ है ना, उसी का नाम कड़ा पराजा है। ए, क्या रे, सो रहा था? कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है, पैर दबाने के लिए कहा तो नींद आने लगी। तुम देख रहे हो कैसे उस बच्चे के साथ अत्याचार कर रहा है, हर रोज अपने पैरों की मालिश करवाता है उससे। ये इंसान नहीं दरिंदा है। हैवान हो क्या, ऐसे छोटे बच्चे को भला कोई मारता है? चलो बच गए, ये राक्षस चला गया। ओह, गाड़ी क्यों रोक दी? कौन है रे वो? भाई ये सब अस्पताल में भर्ती थे ना, आज ही इनको लेकर आया हूँ। नाम क्या है इसका? ये कैलाश है, ड्रिल मशीन चलाता है ना। अच्छा भाई, यहाँ इतने सारे लोग काम करते हैं, आप किस किस का चेहरा याद रखोगे? टेंशन मत लीजिए, ये अपना ही बंदा है। भैया तुम आ गए हो क्या? भैया 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 तुम कैसे हो भैया? अच्छा तो इसका भाई है। तुझे बताना चाहिए था ना कि तेरा भाई हॉस्पिटल में, तो मैं तेरे घर में जाके आराम करता। पागल क्या? क्यों रे, तापमान बढ़ रहा है क्या तेरा? मुझे घूर रहा है, लगता है हॉस्पिटल बहुत पसंद आ गया तुझे। अरे भाई मैं समझाता हूँ इसे। क्या रे, हॉस्पिटल जाने के बाद तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? भूल गया क्या? जा अपना काम कर, चल। अरे क्या इधर खड़े हो, जाकर अपना काम करो, चलो जाओ। वापस भाई से मार खानी है क्या? अरे बोला ना, जाओ जाओ काम करो। अरे शांत हो जा भाई, शांत हो जा, पहले तेरे पिताजी का पता लगाना है। मेरी बात मान, शांत हो जा, चल यहाँ से, चलो जाओ जाकर काम करो। हाँ ट्रेन ने ठोका है उसको, बच गया, लेकिन तू काय को फिक्र कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है इधर। मैं तेरे को बताऊंगा शादी कभी करना है, अभी नहीं हो सकता, रख बाद में फोन करता है। हाँ जो भी हुआ उसे भूल जाइए, अब इन दोनों की शादी दोबारा नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बोले आप, चलता बिल्कुल सही। नमस्ते।
तू कौन होता है बताने वाला कि मुमकिन है या नामुमकिन है? अरे सुन, शादी हो गई, तुम लोग यहाँ से हिलने की भी कोशिश मत करना। भैया आप मेरी बात का यकीन करिए, इसकी बात पर भरोसा मत करिए, क्योंकि मुझे पता है वो आएगा और इसे लेके भाग जाएगा। सुन क्या बकवास कर रहा है, पंडित से दूसरा मुहूर्त निकलवाएंगे। क्या बताएगा, मैं बताता हूँ, आज और इसी वक्त शादी होगी। पागल हो गया है, मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा। चुप भाई, मेरे भाई, तेरी शादी आज हो यही चाहता है ना तू? तो रुक, सुनो सब लोग, ये शादी आज ही होगी। चलो सब अपने काम पे लग जाओ, आ जाओ, तैयारी में जुट जाओ। ए, सुना कि नहीं, शादी आज ही होने वाली है, अभी और इसी वक्त। हे ईश्वर, मेरे भैया को बुरी नजर से बचाना, इसको किसी की नजर ना लगे। भैया इसमें थूक दो। आप अभी हॉस्पिटल से आए हो ना, इसलिए। रुक जाओ, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि मेरे भैया को इन लोगों ने मार दिया। ये तो मुझे पहले से ही पता था कि आप मेरे भैया नहीं हैं। भैया हमेशा कहते थे कि हमारे लिए कोई फरिश्ता आएगा, और उन्होंने जो कहा था वो अब सच होगा। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। नमक लाने को बोली थी, तुम लाए? हाँ, भूल गया था, अभी लाता हूँ। ए, वहाँ राजा भैया तुझे कब से ढूंढ रहे हैं, याद है ना उनके पैर दबाने हैं? तेरे को बुलाने के लिए हमेशा आना पड़ेगा क्या? ये देखो मेरा हाथ जला दिया, अब पैर कैसे दबाऊंगा मैं? अबे जो बोलना है उनको जाके बोल। छोड़ो मुझे, चल, चल, छोड़ दो, छोड़ दो, इसका हाथ जल गया है, उसका हाथ तो ठीक हो जाने दो। ऐसा क्या, तो फिर तू ही चलना। इसको ले जाकर क्या फायदा? अबे फायदा है, दिल तो बहलाएगी। आजा, छोड़ो मेरी बहन को, हाथ मत लगाना, छोड़ो, छोड़ो इसे। पैर दबाने, मुझसे दबा लो। ये कौन है बे? अभी अभी आया, इसका भाई है। ठीक है, तू ही दबा दे, आजा। भैया मत जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। भाई वो बच्चे को चोट लगी है ना, इसीलिए हम इसे उठा लाए। इसकी जगह इसकी बहन को ले आना चाहिए था। ए, इधर आ। भाई ये अभी अभी हॉस्पिटल से आया है, इसके हाथ पे चोट लगी है, मैं हूँ ना। ए तू जा, मैं भाई की मालिश करता हूँ। मुझे यही चाहिए, अभी अभी हॉस्पिटल से आया है, हाथ एकदम मुलायम होगा। ए इधर आ। मुलायम मुलायम हाथ है रे, हाथ का मसाज हो गया, अब जरा पैर का मसाज कर। अब क्या होगा? आहा, ऐसी कला किस कला ने सिखाई? कुछ नहीं हो रहा है तुझे? ए, सिगार के चक्के का असर नहीं हो रहा है तुझे? अबे तू हॉस्पिटल में ताकत का इंजेक्शन लेता था क्या? अब हॉस्पिटल नहीं, तू सीधा कब्र में जाएगा। भाई भाई मैं समझाता हूँ, चल रहे। हेलो, इन्हें अब तक पता नहीं है कि तू विराज है, ये सोच रहे हैं कि तू कैलाश है, अगर ये लोग जान गए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहा है? अच्छा ये बता, सिगार का चटका तो उसने तुझे दिया, पर फिर वो क्यों चलाने लग गया? उसी को जाकर पूछो। हाँ बकरा चाहिए, मिल जाएगा।
हाँ भेजता हूँ मैं। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ी ही देर में कोंडा रेड्डी के घर तुम्हारी बिरयानी बनने वाली है। नहीं बनेगा। हा? ये भी बातें करने लगे? बकरे कभी बात करते हैं क्या? अरे तू यहाँ कैसे? मैं अपने पिताजी को ढूंढने के लिए निकला हूँ। हाँ चलो आओ, चलो आ जाओ, चलो जल्दी चलो। ओए ड्राइवर इधर आ, यहाँ से बकरियां लेकर क्यों जा रहा है बे? समझाया तो था पर ये मानी नहीं। किसको समझाया? इन बकरियों को। हाँ हाँ ठीक है ले जाता हूँ। बाप से मजाक नहीं निकाले ने। मत होइए। चलो चलो देख क्या रहा, चल निकल जल्दी चलो। निकल। देख लिया ना वो नहीं आया, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो नहीं आएगा। देवी आप तो कह रही थी कि वो यहाँ आएगा और मुझे लेकर जाएगा, कहाँ है वो? अरे मेरी बात तो सुन। अगर वो यहाँ नहीं आया ना तो मैं। ये तूने कैसी साड़ी पहन रखी है? मेरा हीरो आ गया भाभी। ए सारी बकरियाँ आ गई ना। ये यहाँ क्यों आया है? मुझे उठा के ले जाएगा। थैंक यू भाभी। अरे मैं आपको बहुत मिस करूंगी भाभी, मैं चलती हूँ। बाय बाय। ए विराज इधर आ। ए वहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ से घूर क्या रहे हो? चलो। अरे किधर? कहीं भी पर मुझे यहाँ से दूर जाना है। चल पोट। क्या तो तुम मेरे लिए नहीं आए हो? अरे जाना मेरी माँ। ए रुको, तुम्हें पता आज मेरी शादी होने वाली है यहाँ। अच्छा मुबारक हो, 3-4 बच्चे पैदा करना। अगर मेरी शादी हो गई ना। अरे तो हनीमून के लिए फिर वापस मलेशिया चली जाना। जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम कुछ कहती ही नहीं हो, कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। अगर मुझसे प्यार नहीं है तो यहाँ क्यों आए? देवी जल्दी निकलो, फुटो जानो जाओ जाओ। तो जा ही रहा था। ऐसे क्या देख रहा? चलो क्या हो रहा है यहाँ? इसे खाना बनाना सिखाना है ना। तो बनाना सिखाओ ना। हाँ आप जाइए ना। ये कहाँ गायब हो गया? ए मेरी बात सुन, पहले से इतनी टेंशन है, ऊपर से एक और बोझ, कोई चक्कर वगैरह है क्या? अरे नहीं नहीं मतलब तेरे साथ भागने के फिराक में? थोड़ी भगा रहा हूं। मुझे तो सच बता। ओए बकरी वाले। जी साहब। कहा था ना बकरी बाहर निकाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब वो अपनी जगह पे चली जाएंगे, आप फिक्र मत करो। कैसे कैसे लोगों को बुला लेते हो आप? चल निकल। ओए ध्यान दो इस पे, निकालो इसे। ए कहाँ है तू? अरे पिक्चर नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूँ? क्या रे लैपटॉप डुप्लीकेट है क्या? कोशिश करते करते थक जाओगे लेकिन ये होगा नहीं। अबे चुप, कोई काम का नहीं है। ए डॉक्टर ये सेटलमेंट कब करेगा? हाँ थोड़ा वक्त लगेगा। अरे और... किस चीज को वक्त लगेगा? तेरी और नर्स की शादी को। ये सेटलमेंट होना बहुत जरूरी है और इसके बिना नहीं होगा। और ये लैपटॉप पे कुछ नहीं दिख रहा, बता इसके अंदर क्या है? मशीनें होंगी। अरे तू सच्ची में डॉक्टर है ना? तुझे तो सब पता होना चाहिए, भाई को सब पता है। अरे ये कंप्यूटर क्या चीज है? भाई के दिमाग में पूरा चलता रहता है ऊपर से नीचे तक। भैया मैंने पैसे के झोल के बारे में कुछ नहीं बताया। मौका मिलता है पकते रहता है तू। ए डॉक्टर सुन, तेरे पास सिर्फ एक दिन का वक्त है, मेरे पार्टनर को ठीक कर वरना तेरा दिमाग खोलकर सारी मशीनरी बाहर फेंक दूंगा। मैं लगा हूँ सर, बस मेमोरी आते ही ये बटन दबा देगा सर। अगर तेरा मेमोरी आ गया ना तो बटन रखिए सर, फटाक से दबा देना। तो चाहिए सर मैं बाहर खड़ा हूँ, वाचन बंद है उसको। चल इस तरफ। कोचा अगर वो आ गई ना तो बटन। मेरे झटके का असर अब तक नजर आ रहा है तुझ पर। अब इसको ओपन कैसे करूं? मुझे पता है। पासवर्ड पता? पासवर्ड नहीं, ये पता है कि तुम मुझे चाहते हो। अरे इसका पासवर्ड पता है क्या तुम्हें? पहले तुम बताओ। क्या बताऊं? क्या बताऊंगा क्या मतलब? मुझसे प्यार करते हो या नहीं ये बताओ। इस सब का वक्त नहीं है, पहले पासवर्ड बताओ। पहले तुम मुझे बताओ। ठीक है मुझे भी है। क्या है तुम्हें? मुझे भी तुमसे प्यार है, यही सुनना था ना। हाँ मुझे किस करना पड़ेगा? किस करने से ये ओपन हो जाएगा? नहीं पर मुझसे प्यार करते हो ये साबित हो जाएगा। देख रहे हैं आप सब, यहाँ बड़े भैया हैं और ये अपने सैया के साथ बेशरम हो रही है। ठीक है हाथ पे करो। मेरे भैया के फिंगरप्रिंट लैपटॉप ओपन करने का कोड है। दोनों भाई बहन बिना टच किए कुछ नहीं करते। धन्यवाद भैया जी। डायमंड्स का रॉ मटेरियल किम्बरलाइट,
ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में मिलता है, ये हम सोचते हैं, लेकिन भारत में भी मिलता है। उस जगह को बैन करने का सुझाव हमने भारत सरकार को दिया, खुदाई करके किम्बरलाइट को बाहर निकाला तो वहाँ भूखा पाने की संभावना है, इसलिए सरकार ने उस जगह के नक्शे को एक राज बना के रखा है और उस नक्शे के बिना किम्बरलाइट को निकालना नामुमकिन है। देखा तेरा भाई कितने गैर कानूनी काम करता है, इसको तो लंबी सजा मिलेगी। यहाँ आया तो था पिताजी को ढूंढते हुए, वो तो नहीं मिले, पर एक और काम की चीज हाथ लग गई। अब देख इनका क्या हाल करता हूँ। ये क्या हो रहा है? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? कोचा, कमाल हो गया, याद आ गया सर। ये ले ले ले। अच्छा, जल्दी से पासवर्ड डाल दे इसमें, बहुत सारा काम बाकी पड़ा है। बताइए, डरिए मत, बताइए किसने मारा आपको, बताइए ना। आप जरा चुप रहिए, बोलिए बोलिए, बताइए किसने मारा। अरे अरे हटिए हटिए, हटिए। देखो इन्होंने भगवान की तरफ इशारा किया है, बोलो तिरुपति बालाजी की जय। बालाजी, इनके ऊपर भगवान जी की कृपा बहुत है, देखा भगवान की तरफ इशारा किया। ओ, इन्हें सब कुछ याद आ गया, धन्यवाद डॉक्टर। और यही नहीं, एक बार बहन की शादी ठीक से हो जाए तो ये तिरुपति जाकर मुंडन भी करवाएंगे। मैं तो कहता हूँ ये पहले ही भगवान के दर्शन कर ले। बताइए, डरिए मत, किसने मारा, किसने मारा आपको? ये तो दोबारा इशारा कर रहे हैं, अब क्या करूँ? हाँ हाँ, हम जाएंगे जाएंगे, जरूर जाएंगे दर्शन करने। जय हो, जय हो, जय हो। ये क्या हो गया कोचा? कोचा, कोचा! अरे लैपटॉप मत तोड़िए, याददाश्त नहीं हम उठा लगवाएंगे, तब तक मैं इसका बोझा उठाऊंगा। मेरे साथ आओ। कहाँ ले जा रही हो? मुझे इस घर के सभी खुफिया रास्ते पता है। कहाँ लेके जा रहा है इसे? रोक! चलो भैया, जगमोहन का बेटा आ गया। ए, क्या हो रहा है? चलो भागने ना पाए। तुम्हें भगाना था पर मैं ही तुम्हें भगा रही हूँ। तुझे भागना है ना, चल। ढूंढो उसे। वो लोग हमें ढूंढ लेंगे, अब क्या करें? अगर मैं पकड़ी गई तो उससे शादी करनी पड़ेगी। अरे तो कर लेना ना। तो तुम? मेरा क्या? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। पासवर्ड जानने के लिए मुझसे झूठ बोला। चलो जल्दी। तेरी मर्जी के खिलाफ तेरी शादी बिल्कुल नहीं होगी। कैसे? इसमें छिप जा। तो चलो ना, हम दोनों इसमें छिप जाते हैं। मुंह बंद करके बैठी रहना। क्या कर रहे हो? वादा करता हूँ तुमसे वो शादी नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। ख्याल रखना। ये कौन से आदमी? रुक। ये दवाई खासकर जहर के लिए है, अगर जहर को निकालना है तो ये प्रयोग करना चाहिए, अगर इसे जड़ से मिटाना है तो इस दवाई को 4 से 5 दिन पिलाना पड़ेगा। ट्रेन ने धक्का दिया था ना? करेक्ट। ए डॉक्टर सर, ट्रेन का धक्का झूठ है, किसी ने धोया था इसको। तब तो बहुत बुरी तरह से धोया सर। उससे भी बेहतर धुलाई आती है मुझे। जिसने तेरे पति का ये हाल किया वो किधर है? बताओ, जगमोहन का बेटा किधर है? इनका गला छोड़ दे, मैं बताती हूँ तुझे। फिर से इशारे की भाषा, मतलब तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी की जय हो, तिरुपति बालाजी की जय हो, तिरुपति
मेरे कमरे में एक साड़ी रखी है, उसे पहनकर आ जाओ, फिर बताऊंगी तुम्हें। ए! ए, क्या हुआ? तू तो बड़ी बड़ी बातें करता है ना कि ये सारा इलाका तेरा है, तो जाना, जाकर ढूंढ निकाल उसे, जैसे ही सामने आएगा तेरी पैंट गीली हो जाएगी। कोचा कोचा मेरे भाई, ये क्या बोल रहा है? आपके मुंह से बदबू आ रही है, पीछे हट जाइए। तू बोल। हाँ, वो खदान, खदान। मैं समझ गया। तू 10 मिनट रुक, 10 मिनट रुक, मैं आता हूँ, मैं अभी आया। मेरे पार्टनर को अंदर ले जा। हाँ ठीक है। उसको खत्म करके मैं अभी आता हूँ। गाड़ी निकाल, इन सब लोगों को बंद कर दे। इतने भारी आदमी को अकेले उठाऊंगा क्या? आराम से। पार्टनर, उसको तो मैं ही मार डालूंगा। ये देख, यही है क्या? यही है जगमोहन का बेटा। बोल ना पार्टनर। ये क्या? क्या ये? चल हट। चल, ये तो नहीं पार्टनर। बोल। अब इसको देख, आगे देख, ये देख, ये है क्या? ये भी नहीं है। इनकी बॉडी में पानी ज्यादा हो गया है। चल चला गए। ये देख, ये क्या देख? बोल पार्टनर, बोल। ये क्या? अरे बता ना पार्टनर। ओहो, ये कर, बोल बोल जल्दी। अरे क्या किया? अरे किसकी हिम्मत हुई पंखे को चालू करने की? पार्टनर बोल, तू बोल। क्या बोला? अरे मैं देख नहीं पा रहा हूँ और सुना भी नहीं दे रहा। अरे इसमें तो बहुत जोर से यही है क्या? बोल जल्दी। अरे तू सिर्फ बता, यही है ना? अरे बोल जोर से। ये यहाँ पे। हाँ बता पार्टनर, बता जल्दी। सुपर, यही है क्या वो? हाँ भैया, लगा दिया मैंने। पार्टनर, इस घर में चारों तरफ वायर ही वायर है, कहाँ लगाऊं इसे? कहाँ लगाऊं इसे? कहाँ लगाऊं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, गला बैठ गया इनका। जगमोहन का बेटा कौन है बता पार्टनर? अरे चुप क्यों है, बताना पार्टनर। डॉक्टर। अच्छा वही डॉक्टर ना जिसकी ऐसी तैसी कर दी आपने? अरे जल्दी से डॉक्टर को ले आ। कौन से डॉक्टर को बुलाऊं? कोचा भैया, कोचा। को चाचा हो गया इनका तो। कोचा खुद बोला मेरे को, वो इसी खदान में कहीं है। कहाँ है वो? कोचा साहब तो कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, उनका इशारा कुछ और है और आप समझ कुछ और रहे हैं। और फिर भी साहब, जगमोहन का बेटा कोई पागल थोड़ी है जो यहाँ मरने आएगा। बाप को ढूंढने आया, मिला नहीं तो चला गया। अरे क्या ज्ञान दे रहा है साहब? मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आप अपने काम में ध्यान दीजिए, उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं होगा, वो तो अब तक यहाँ से चला गया होगा। ये मेरा इलाका है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ढूंढ निकालूंगा उसे। वहाँ टाइम पास मत करो, मेरे साथ चलो साहब। आओ जल्दी, वो इधर है कि नहीं देखो। हाँ भाई देखता हूँ। ए रुक, क्या अंदर जाके देख। अरे क्या सर, सब कुछ ठीक ठाक है क्या इधर? सब ठीक चल रहा है सर। क्या खाक ठीक ठाक है? ये पत्ते सिगरेट क्या चल रहा है साहब? अरे क्या सर, पुलिस स्टेशन में बैठ के ये धंधे? वो यहाँ आ भी चुका है। कौन आ गया सर? वो जिसे मारने को बोला था, वो जगमोहन का नालायक बेटा, मेरे पार्टनर की हालत उसी ने बिगाड़ी है। क्या हुआ?
पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा बेटा आ गया, अब तुम सब नहीं बचोगे, देखना वो तुम सबको मार देगा। तेरी हालत देखकर मुझे पता चल गया है कि तू अंदर से कांप रहा है। अबे इसका बीपी चेक करो, डॉक्टर बुलाओ इसके लिए। अब मेरा बेटा इसे जवाब देगा। मुझे पता है वो आ गया है, लेकिन वो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। चलो चल चल अंदर अंदर चल 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 अंदर। Hey, कहां से आ रहा है? चल जा। अरे ये कहां से आ रहा है? इधर आ। कहां से आया, कहां गया था? ये लाने। यहां से 12 किलोमीटर तक सिर्फ पत्थर है, तो ये पेरू का झाड़ कहां से उग गया? सच बता, कहां गया था? नहीं बताऊंगा। बता कहां गया था? नहीं बताना है। ऐसे नहीं मानेगा। तुम लोग का राजा हूं मैं कड़प्पा। वो कोंडा रेड्डी कैमरा लगाकर जगमोहन के बेटे को इस खान में ढूंढ रहा है। इससे मेरी इज्जत कम हो रही है। जब मैंने इस लड़के से पूछा कि कहां से आया है, तो मुझे झूठ बोलता है, बोलता पेरू लेने गया था। ए, ये बच्चा मुझे बेवकूफ समझता है? जब तक इसने नहीं बताया कि ये कहां गया था, ये यही पड़ा रहेगा। अगर किसी ने इसकी मदद करने की कोशिश की तो तुम्हारे बच्चों का भी यही हश्र होगा। अगर किसी ने इस रेखा को पार किया तो ये कड़प्पा उसे मौत की नींद सुला देगा। अगर भूल के भी कोई इस रेखा के अंदर आया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आने गया था कड़प्पा के बहुत पूछने पर भी इसने उसे कुछ नहीं बताया। तभी कड़प्पा ने लोहे की रॉड से इसके सर में मारा। नहीं नहीं विराज, विराज रुक जा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम है। उस कड़प्पा की क्या गलती है बता मुझे? जब उसने पूछा तो उसको जवाब देना चाहिए था ना, इसलिए तो इसे सजा मिली। गुस्सा छोड़ और मेरी बात सुन। देख विराज, ये राजा की खींची हुई लकीर है, तू चल यहां से चल। ए, मैं कब से समझा रहा हूं तुझे, मेरी बात समझ में नहीं आती।
मैं कायरों की तरह मुंह छुपाकर नहीं बैठ सकता। बेटा जगमोहन चाचा को देख के आया हूँ, वो जेल में है। इन्होंने पूछा, मैंने कुछ बताया नहीं इसलिए मारा। इसे जल्दी से किसी हॉस्पिटल ले जाओ। जाओ जाओ जल्दी लेकर जाओ। क्या हो गया भैसे? मैं कैलाश नहीं जो तेरी मार खा लूंगा। मैं हूं जगमोहन का बेटा कैलाश। मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? Oh!
जैसा मालिक ने कहा वैसे ही हुआ। आज हमें विराज पे गर्व होना चाहिए। आज कड़प्पा को मारकर तूने अपने पिताजी का आधा सपना पूरा कर लिया, लेकिन कोंडा रेड्डी से अपने पिताजी को कैसे आजाद कराएगा? छोटू ने मुझे बता दिया पिताजी कहाँ हैं। जितनी जल्दी हो सके आप सब लोग यहाँ से निकलिए। अच्छा तो तू है जगमोहन का बेटा। नहीं भी ढूंढ ले, तुझे तेरा बाप नहीं मिलेगा। कोंडा रेड्डी तेरी बस्ती में गया है, तू उसे नहीं जानता। तुम सबको जमीन में जिंदा गाड़ देगा कोंडा। इतनों को मारा है कोई हिसाब नहीं है। वो बस्ती वाले वहां मरेंगे और तू यहाँ पुलिस स्टेशन में मरेगा। ए पकड़ उसे, भागने न पाए, पकड़ उसे। उठा लो सब बच्चों को, सबको बस में बिठा दे। एक भी बच्चा गांव में रहना नहीं चाहिए। अरे जब जगमोहन को जेल में बंद किया था तुम लोगों की हालत बहुत बेकार हो गई थी, अब उसका बेटा आ गया है तो उछलने लगे हो हैं? बंद कर दो सबको, हट चल यहां से। पैर पड़ता हूं, क्यों कर रहे हो ऐसा? रहम करो बच्चों पर, रहम करो तुम। सुनो, सारे बच्चों को दूसरे शहर में भीख मांगने के लिए भेज दो, और किसी ने रोकने की कोशिश की तो उनके दोनों हाथ और दोनों पांव काट कर मुंबई के रेलवे प्लेटफॉर्म पे भीख मंगवाऊंगा। छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो, वो मेरे भाई को लेके जा रहा है। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। उसका साथ देने से पहले सोचना चाहिए था ना। जगमोहन का बेटा यहाँ आकर इनके खास आदमी को मारकर चला गया, और भुगते का कौन तुम सब? मैं भी कोंडा रेड्डी का खास आदमी हूँ। निकलो यहाँ से, निकलो। उधर जाके बात करो। रुक जा, उस तरफ दो लड़के भागे, जा जल्दी पकड़ उन्हें, जाओ। मैं कोंडा रेड्डी का आदमी हूँ, कोंडा रेड्डी का, समझे तुम लोग? मैं कोंडा रेड्डी का आदमी हूँ, तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? सबको बस में बैठाओ, जाओ, सबको बस में बैठाओ। जा जा बेटा, जा अंदर जा, डर मत। हमें डर लग रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनके जाते ही मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, समझे? अच्छा, चुपचाप बैठो। जगमोहन का बेटा आ गया तो क्या हुआ? हमें जगमोहन के बेटे से कोई डर नहीं है, ये कोंडा रेड्डी का इलाका है। चलो चलो सब बच्चों को बस में भरो, चलो निकलो यहाँ से सब लोग, सबको बस में बैठा कर ले जाओ यहाँ से, किसी को मत छोड़ना, समझे? ये लड़का छुप के भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया इसे। उस बस में जगह नहीं है तो मैं उसे दूसरी बस में भेज रहा हूँ। ए इधर आ, लेकर जा इसे, जाकर उस बस में बैठा दे, जा। भाई सच में इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है भाई, मेरा यकीन कीजिए। ए देख क्या रहे हो, चलो जल्दी लेकर जाओ, सबको लेकर जाओ यहाँ से। चाचा, भैया भैया भैया, विराज ये लोग बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि मैं कामयाब हो जाऊंगा और उन्हें बचा लूंगा, पर उन्हें सब पता चल गया। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, मुझसे वादा करो कि तुम कुछ भी करके उन बच्चों को बचा लोगे। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, उन बच्चों को बचा लेना, बचा लेना, बचा लेना। किसी को छोड़ना मत। सत्या, अरे
से। पिताजी। हाँ तुझे क्या लगा? हाँ बेटा, तेरा बाप है। अपने बाप को ही ढूंढने निकला था ना, क्या समझ के रखा है? मेरे ही खदान में आकर मेरे ही आदमी को मार के लटका दिया तूने। अब मार मेरे को, चल। क्या बोल रहा था तू? तेरा बेटा आएगा, आ गया ना, उसको घसीट के तेरी आंखों के सामने ले जाऊंगा और कोचा के चरणों में भेंट चढ़ाऊंगा। बेटा तू मेरी फिक्र मत कर, बस्ती वालों को बचा और इन्हें खत्म कर दे। चुप, आगे बढ़ बेटा। ये मेरा खून है, मैंने कहा था ना तुझसे, ये तेरा फैसला करेगा। कोंडा रेड्डी, तेरा आखिरी वक्त आ गया है, मैंने कहा था ना तेरी कब्र खुदेगी, आज तुझे दफन कर देगा ये। अरे भैया, क्या हो गया भैया आपको? जितने भी टट्टू पाल के रखे सबको निकाल, एक एक करके सबको देखूंगा, जितने सर उठेंगे सबको काट के रख दूंगा। तूने बोला था जिंदा नहीं बचूंगा पर बच गया, तूने बोला था मैं अपने बाप को नहीं ढूंढ पाऊंगा, मैंने ढूंढ लिया, तूने बोला था कोंडा रेड्डी के इलाके में पैर नहीं रख पाऊंगा, आज देख मेरा पैर कोंडा रेड्डी के ही ऊपर है, चाहूं तो मैं अभी के अभी तुझे भी कुचल के रख दूं, पर तू मेरे लिए सिर्फ एक जिंदा लाश है। अगर कोई भी कोंडा रेड्डी या कोचा मेरे सामने आया तो मैं उन्हें जिंदा दफना दूंगा।
रुक जाओ। तूने अपने बाप और उसके लोगों को मेरे चंगुल से छुड़ा तो लिया, पर आगे की कहानी तो अभी तक जानता नहीं। वो लोग कड़प्पा पार नहीं कर पाएंगे। मैं अपने आदमियों के साथ रास्ते में ही उनकी कब्र खोल डालूंगा, सुना तूने? नेक्स्ट लाइट। तुझे क्या लगा तू कड़प्पा से जिंदा बच के निकल जाएगा? तेरे बाप को भी मैंने नेक्स्ट लाइट बनाकर पुलिस के हाथों दिया और सबको मेल भी कर दिया है मैंने कि नेक्स्ट लाइट का लीडर पुलिस स्टेशन से छूटकर बाहर निकल रहा है। तू शायद जानता नहीं कि पुलिस से बचकर भागे हुए कैदी नेक्स्ट लाइट होते हैं। उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाती, सीधा गोली मार दी जाती है। अब देख, आ गया कॉल मेरे आदमी का। मारने का ऑर्डर मिल गया सर। किसी को भी सुनने की जरूरत नहीं है, सबको शूट कर दो। ओके सर। उसकी आखिरी चीख सुननी है तो ले सुन। सर बस आ रही है। कोचा, मेरे पिताजी और वो सारे लोग बेकसूर है, उन्हें छोड़ दो प्लीज। हेलो, उन्हें छोड़ दो। हेलो हेलो, तुझे क्या लगा मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाऊंगा, आंसू बहाऊंगा, भीख मांगूंगा? अबे कोचिए, बस में मेरे नहीं तेरे लोग हैं। बाला तू जानता है क्या हमें कहाँ ले जा रहे हैं? चालाकी में मैं तेरा बाप हूँ। मैं जानता था तू कितना बड़ा नीच और गिरावा इंसान है। तेरी फितरत है पलटी मारना, इसलिए मैंने तुझसे पहले ही बाजी पलट दी। उस बस में एक महान हस्ती भी बैठी है, जानता है कौन? अरे यार निकलो यहाँ से, पुलिस सामने खड़ी है। चलो चलो, वो देखो भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। कोई सुन ले, ए कहाँ भाग रहा है? सब अपने ही लोग हैं इंस्पेक्टर। तू है कौन? मैं कोंडा रेड्डी का भाई हूँ। कोंडा रेड्डी का भाई? बेवकूफ। और कोचा का होने वाला दामाद हूँ। अरे बदशकल, तुझे लड़की कौन देगा? वो भी कोचा की बहन। मुझे दे, तुझे तो मारने का ऑर्डर मिला। चल। रुक जाओ। अगर तेरे पास हथियार है तो देख, हम भी नियत नहीं है। मेरे एक इशारे पे तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। गौर से देख। जल्दी आओ, तूने दामाद जी को मार दिया। अरे इन्हें मारना था, मार डाले इन सबको, मार दे जल्दी से। ये तेरी रिश्वतखोर पुलिस नहीं, ईमानदार पुलिस है। मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ, इसलिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। तेरा बंदोबस्त तो उसी दिन कर दिया था जिस दिन तेरा लैपटॉप मैंने खोला था। सीबीआई के पास सारे सबूत है, इसलिए तुझे पकड़ने के लिए आ गई है। ओके। सर उनके हाथ पे लगी हुई है। हाँ मुझे पता है, ये पुलिस ऑपरेशन का एक हिस्सा है। ऐसी सिचुएशन में कुछ तो घायल होते ही हैं। आगे हम संभाल लेंगे, ले चलो सबको। मैं सब संभालती हूँ, तुम जाओ। सर, हम आपके बेटे विराज के शुक्रगुजार हैं जो इतना बड़ा क्रिमिनल हमारी पकड़ में आया। हमें इस पर गर्व है। वेल डन विराज, आई रियली अप्रिशिएट। कम ऑन बॉयज, ले चलो सबको। सरकार से छुपाकर डायमंड को खान से निकालकर बेचने का काम जो लोग करते थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई और उन्हें सजा हो गई। ऐसे में सरकार की मदद करने वाला एक ही आदमी था, जगमोहन का बेटा विराज। सरकार ने विराज की प्रशंसा की और उसके गुनाह माफ कर दिए गए। तू फरिश्ता है बेटा, आज से हम पे कोई जुल्म नहीं करेगा। जो लड़ाई मैं लड़ रहा था और जीत नहीं पाया, उसे जीत कर तूने इन्हें खुशियाँ लौटाई है।